नमस्कार दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद हम लोग मिले हैं और निकॉन के कैमरे के लिए काफ़ी सारी डिमांड थी जिसको हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। और निकॉन का कैमरा जो है किस तरीके से उसको सेट किया जाए अलग 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 सिचुएशन में वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले गुड आफ्टरनून और सारे फोटोग्राफर्स जो निकॉन यूज़र्स हैं उन सबका जो है हार्दिक स्वागत करता हूँ। आई होप कि आज आपको विजुअली ऑडियो और वीडियो दोनों बहुत अच्छा मिलेगा। तो अगर बहुत अच्छा है तो आप थम का या हार्ट का निशान कीजिए ताकि मुझे पता चले और हम लोग जल्द से जल्द जो है निकॉन के जो है सेटिंग्स सारे शुरू कर सकें। तो मैं ऑडियंस की वेट कर रहा हूँ कि ऑडियंस अगर थम करता है तो मुझे शुरू करने का परमिशन मिल जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे दिनों से डिमांड था कि सर निकॉन के ऊपर कीजिए, बहुत सारे फोटोग्राफर्स का जो डिमांड था कि सर आप निकॉन के मेनू सेटिंग के ऊपर कीजिए। फिलहाल मैंने शुरू किया है निकॉन का D750 जो मोस्ट पॉपुलर और सबसे अच्छा कैमरा है। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे जाएंगे Z6 के ऊपर, Z5 के ऊपर और भी जितने भी निकॉन के जो कैमराज है उसके ऊपर। तो हम लोग धीरे धीरे शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे मैं समझ रहा हूँ काफ़ी सारे लोगों ने थम अप किया है, दैट मीन्स के साउंड क्वालिटी इज़ गुड, विजुअल इज़ गुड। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जैसे जैसे हमें वक्त मिलेगा हम लोग बीच बीच में क्वेश्चन आंसर्स भी करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जब भी निकॉन का अगर कैमरा देखते हो तो निकॉन का जो कैमरा मेनू है उसका जो डिज़ाइन है वो आप देख सकते हो यहाँ से ऊपर से नीचे तक जाता है। मतलब कि सबसे पहले येलो कलर में जो सेक्शन है वो है येलो कलर में जो प्लेबैक के लिए, मतलब कि सारे प्लेबैक रिलेटेड मेनू यहाँ पर है। मतलब कि डिलीट करना, फोल्डर को प्ले करना, इमेज को छुपाना या उस फोटो जो हमने क्लिक किया है उसके साथ अगर देखने के लिए जो कुछ चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा है कैमरा का सिंबल जिस पर लिखा है फोटो शूटिंग मेनू, और उसके अंदर जैसे कि फोल्डर सिलेक्शन कैसे करना है या आपको इमेज क्वालिटी क्या रखनी है वो सारी डिटेल्स के सेटिंग्स यहाँ पर है। इसी तरह से तीसरा जो सेटिंग है यहाँ पर लिखा है जो है सिंबल ड्रॉ किया हुआ है वो है कैमरे का, मतलब कि मूवी कैमरे का। इसमें जो सारे सेटिंग है वो मूवी सेटिंग, मतलब कि अगर मैं सिनेमाटोग्राफी करना है, वीडियो करना है तो उसके सारे सेटिंग्स इस सेक्शन में हमको मिलेंगे। उससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ड्रॉ किया है पेंसिल, और पेंसिल के अंदर कैमरे के जो ऑपरेटिंग फीचर्स है जैसे कि ऑटो फोकस, मीटर रीडिंग, टाइमर या उसका ब्रैकेटिंग, वो सारी चीज़ें जो है डिटेल में हमको यहाँ पर मिलती है। तो कुल मिला के जो कैमरे के यूज़ करते वक्त हमें जब शूट करते हैं उस समय में क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या चीज़ें हमें यूटिलाइज करनी है, वो सारी चीज़ यहाँ से हम लोग कंट्रोल्स कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर एक पाना पकड़ का सिंबल है जो है कैमरा सेटिंग्स के लिए, जिसको सेटिंग मेनू बोला जाता है, जिसमें कुछ अदर सेटिंग्स जिसको हम लोग सीधी तरह से यूज़ नहीं करते बट ओवरऑल यूज़ करते। फॉर एग्जांपल के मुझे मेरी कैमरा की ब्राइटनेस जो है LCD उसकी क्या रखना है, या फिर मॉनिटर का कलर बैलेंस क्या करना है, या फिर मेरे जो यूज़र सेटिंग्स है U1, U2, U3 उसको कैसे यूज़ करना है, तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर है। उसके बाद लास्ट में है रिटच, मतलब के अगर मैंने फोटो जो क्लिक किया है उसको अगर मुझे छोटा मोटा रिटच करना है, उसको सीधा करना है या कलर बैलेंस करना है, ऐसा कुछ भी करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। कुल मिला के ये 5 या 6 सेक्शन में इसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला है प्लेबैक मेनू। प्लेबैक में क्या है, सबसे पहला ऑप्शन जो है डिलीट का ऑप्शन। अब कई सारे लोग जानते हैं कि डिलीट करना है, लेकिन डिलीट में इसके अंदर अगर जाते हैं तो और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सिलेक्टेड, दूसरा है सिलेक्ट बाय डेट और तीसरा है ऑल। अगर मैं सिलेक्ट बाय सिलेक्टेड करता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, जो जो फुटेज मेरे पास है उसको मैं वन बाय वन सिलेक्ट कर सकता हूँ। आप जब भी कोई भी कैमरा यूज़ करते हो, चाहे निकॉन हो, कैनन हो, सोनी हो, फ्यूजी हो, उसकी स्क्रीन को आप ध्यान से पढ़ना, उसके ऑपरेशन आपको ईजिली समझ में आएंगे। जैसे कि अगर मुझे सेट करना है तो यहाँ पर जूम आउट का सिंबल है, अगर मैं जूम आउट का सिंबल क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर सिलेक्शन हो गया। मतलब क्या हुआ कि मुझे जो जो चीज़ें सिलेक्ट करनी है उसके लिए यहाँ पर मुझे जूम आउट का जो सिंबल उसको क्लिक करना है। अगर मुझे किसी चीज़ को बड़ा करके देखना है तो जूम का बटन दबाना है तो बड़े स्क्रीन में दिखेगा, तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा ओके, मतलब कि ये सेट हो चुका है। इसका मतलब ये हो कि यहाँ पर जो आपको इंडिकेशन दिया गया है वो ये है कि आपको परफॉर्मेंस, मतलब आप जो करेंगे उसका इफेक्ट इन बटनों से आने वाला है, तो ध्यान रखना ये सब चीज़ें। ये हर जगह कहीं ना कहीं दिखाई देगा आपको।
तो नंबर वन ये सेट हो गया, फिर से मैं बैक जाता हूँ और डिलीट में समझाता हूँ। सिलेक्टेड मतलब अगर के मुझे जो समझ लो मैंने 50 या 100 फोटो क्लिक किए हैं उसमें से मुझे कुछ सिलेक्टेड फोटो डिलीट करना है तो मुझे यहाँ से सेट करना है, सेट। फिर फॉर एग्जांपल मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, सेट। इसके अलावा फॉर एग्जांपल के ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला, दैट मीन्स के मुझे जो सिलेक्शन चाहिए, जो मुझे जो इमेजेस या वीडियोज मुझे डिलीट करना है वो मैं वन बाई वन सिलेक्ट कर सकता हूँ। हमें कई बार वेडिंग्स में ये दिक्कत आती है कि हम लोग ने बहुत सारे इमेजेस क्लिक कर लिए और मैं चाहता हूँ कि उसमें से कुछ डिलीट कर दूँ, लेकिन सीक्वेंस में मतलब वन बाय वन नहीं करना है, कुछ फोटोग्राफ्स को सिलेक्ट करके 5, 10, 20 एक साथ डिलीट करना है, तो इस तरीके से हो सकता है। नंबर टू, सिलेक्ट बाय डेट। फॉर एग्जांपल कि मैंने दो दिन, कई बार हम लोग जब वेडिंग शूट करने जाते हैं तो ऐसा होता है कि डे वन को हमने कुछ शूट किया और उसके बाद डे टू को हम लोग ने कंटिन्यू शूटिंग चालू कर दिया, मतलब रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। अब गड़बड़ी हो गई कि मैंने अगले दिन का जो फुटेज था उसको रिमूव करना भूल गया या कार्ड फॉर्मेट करना भूल गया, तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि सिलेक्ट बाय डेट। फॉर एग्जांपल फिलहाल मेरे पास एक ही डेट है, जैसे कि 10-10 कल मैंने कुछ फुटेज शूट किया था। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे कन्फर्म करना है तो जूम आउट का बटन, अगर जैसे मैं इसको कन्फर्म कर लेता हूँ तो ये जो मैंने यस्टरडे यानी कि 10-10 की डेट को जितना भी फुटेज शूट किया था सिर्फ उसी डेट का फुटेज जो है डिलीट होगा। ध्यान से, आपके साथ शादियों में कई बार ऐसा होता है कि लगातार हमारे वेडिंग सीजन में वेडिंग्स चलते रहते हैं, तो डे वन को आपने शूट किया, डे टू को किया, डे थ्री को किया और आपने डे वन का फुटेज बैकअप में ले लिया है कंप्यूटर में, लेकिन आप गलती से कार्ड में फॉर्मेट करना या उस डेटा को डिलीट करना भूल गए हो और आपके कार्ड में स्पेस कम है, तो उस समय आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ऑल। अब आप बोलोगे सर इसमें अगर ऑल डिलीट का ऑप्शन है तो इसमें सारा चीज़ डिलीट हो जाएगा, तो ऑल डिलीट करें या फॉर्मेट करें, दो चीज़ें। देखो फॉर्मेट करने से क्या होता है कि आप डेटा रिकवर इजीली नहीं कर सकते हो, अगर आपने डिलीट किया है तो उस फाइल्स को आप इजीली रिकवर कर सकते हो, ये उसका सबसे बड़ा फायदा है। तो अगर आपको चांस मिलता है कि नहीं मुझे फ्रिक्वेंटली 50-50 चांसेस है तो आप इसको डिलीट कीजिए। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन मेरे पास्ट में एक दो बार ऐसा हो चुका है कि जब मैं किसी लोकेशन पे था शूट करने गया और मेरा कार्ड समाउ भर गया, पूरा भर गया, और दूसरा कार्ड मेरे जो है रूम में डेटा कॉपी करते वक्त जहाँ पर कंप्यूटर था वहाँ पे था, तो इंस्टेंटली मैंने क्या किया, ऑल डिलीट कर दिया डेटा और उसके बाद फिर से उसके ऊपर शूट कर लिया। हालांकि ये मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता हूँ, बट ये मैंने अपने आप अपने रिस्क पर किया था। उसके बाद उसी कार्ड में से पहले जो डेटा अभी फिलहाल था उसको कॉपी कर लिया और बाद में उस कार्ड को रिकवर करने रख दिया, ताकि जो डिलीट किया हुआ डेटा था वो सारा मैंने जो है रिकवर कर लिया। तो ऐसा भी कभी कभी हो सकता है, बट ये रिस्की है, वो डिपेंड है आपकी कार्ड की क्वालिटी पर और आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर। बट ऐसा अगर इमरजेंसी है कि आपके पास कोई चांस नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, तो आप ये कर सकते हो। ऐसा मेरे साथ एक बार और भी हो चुका है, बट उस टाइम मैंने वो नहीं किया था। मैं गया था कश्मीर में, एक चादर ट्रैक करके एक इवेंट होता है जो नवंबर में होता है, नवंबर से दिसंबर के बीच में, जिसमें वहाँ जनकार रिवर है वो पूरी फ्रोजन हो जाती है, मतलब कि जम जाती है। वहाँ पर मेरा कार्ड, मेरे पास जो एक्स्ट्रा कार्ड था वो चल ही नहीं रहा था, तो उस समय मैंने अपने कार्ड को डिलीट कर दिया और फिर से उसके ऊपर रिकॉर्ड कर लिया और घर आके उसको फिर से मैंने रिकवर कर लिया। तो ये भी कभी कभी आप लोग कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लेबैक फोल्डर। अब प्लेबैक फोल्डर का मतलब क्या है, तो जैसे ही इसके अंदर में जाता हूँ तो इसमें मुझे तीन ऑप्शन दिखते हैं। नंबर वन, D750 ऑल या करंट। ज़्यादातर फोटोग्राफर जो है उसको ND750 या करंट पे रखते हैं, लेकिन आपको इसको रखना है ऑल पे। अब ये क्या है, ये इसलिए है कि जब आप फोटो प्ले करोगे तो जब आपका करंट फोल्डर होगा तो शायद ऐसा हो सकता है कि उसी फोल्डर के फोटो प्ले हो आपसे। कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो कैमरा है या तीन कैमरा है, मेरे पास समझो एक 850 भी है या मेरे पास 7200 है निकॉन का, मैंने उस कैमरे में कुछ शॉट्स क्लिक किए, कुछ फोटोग्राफी किया और वही कार्ड मैंने अपने 750 में लगा दिया। अब गड़बड़ क्या होती है कि अगर मैंने यहाँ पर सेटिंग जो है करंट रखा है तो मेरे कैमरे में, मतलब कि ये वाला जो कैमरा है, आगे वाला जो फोल्डर है, मतलब कि जो मैंने 7200 में शॉट निकाले थे, जो क्लिक किए थे, वो मेरे कैमरे में मुझे यहाँ पर प्ले नहीं होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो करंट रखा है। इसके बजाय आपको क्या करना है, ऑल पे रखना है, ताकि दूसरे फोल्डर्स के फोटो भी आप प्ले करके देख सको, या फिर गलती से शायद आप समझ लो यार इसमें कुछ है नहीं, मैं फॉर्मेट कर दूँ, तो फॉर्मेट भी ना हो, तो ये भी आप कर सकते हो। तो आपको ये दोनों चीज़ ध्यान रखनी है कि हो सके तो आपको ऑल रखना है, ना कि उसको करंट या 750 पे। फॉर एग्जांपल आपके पास 7200 होगा तो यहाँ पर 7200 दिखाई देगा, अगर आपके पास 810 होगा तो यहाँ पर 810 दिखाई देगा।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और खास जो लोगों के पास मल्टी कैमरा है, 2 कैमरा 3 कैमरा, उनको ये सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। तो आपके डेटा भी बचा रहेगा और आपको जो है प्रीव्यू भी मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मैंने मेरा जो D750 है उसमें शॉट निकाले और वो कार्ड अगर मैं अपने 7200 में लगा के प्ले करता हूँ तो फोटो प्ले ही नहीं करता है, क्योंकि उसका इसका जो फाइल साइज है वो काफ़ी बड़ा है, तो ये भी हो सकता है। तो कई बार ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने में और समझने में आसानी हो जाती है अगर आपने ऑल रखा है तो। चलिए, तो इसको हमेशा आपको ऑल पे रखना है, चाहे आपके पास कोई भी कैमरा हो, ताकि आप दूसरे कैमरे के पिक्चर्स जो है और फोल्डर्स जो है उसको प्ले करके देख सकते हो। उसके बाद है हाइड इमेज। अब हाइड इमेज का क्या मतलब होता है? हाइड का मतलब होता है छुपाना, मतलब कि किसी फोटो को छुपाना। अब ये छुपाना मतलब क्या और क्यों? तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई फोटो क्लिक कर लिया और मैं चाहता हूँ कि मेरे कैमरा अगर मैं किसी को भी दूँ और वो प्ले करके देखे तो वो फोटो दिखना नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ से आपको जो भी इमेज आप पसंद करते हो उसको आप क्लिक करो और उसको सिलेक्ट कर लो। तो जैसे आप उसको सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद वो कैमरे में प्ले नहीं होगा लेकिन कंप्यूटर में दिखेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, हाइड का मतलब वो सिर्फ कैमरे में डिस्प्ले नहीं होगा लेकिन आपके जो है कंप्यूटर में जब आप कैमरा आपका जो कैमरा का कार्ड उसको लगाते हो तब वो ज़रूर ज़रूर दिखेगा। चलिए, तो ये थोड़ा सा है और आप जितने भी चाहे फोटो इसमें से हाइड कर सकते हो। उससे आगे बढ़ते हैं प्लेबैक, प्लेबैक डिस्प्ले ऑप्शंस। अब ये प्लेबैक डिस्प्ले ऑप्शन क्या है और क्यों है, तो थोड़ा सा उसके अंदर जाते हैं। पहला है बेसिक फोटो इन्फो, इसमें लिखा है फोकस पॉइंट, और फोकस पॉइंट के ऊपर देखो यहाँ पर राइट मतलब के इसको सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद एडिशनल इन्फो, एडिशनल इन्फो में नॉट मतलब कि इमेज ओनली मतलब सिर्फ फोटो दिखेगा, हाईलाइट, आरजीबी हिस्टोग्राम एंड शूटिंग डेटा। अब जैसे कि यहाँ पर ये तीनों चीज जो है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, सॉरी, इसको सिलेक्ट करने के लिए मुझे मेरा जो कर्सर है उसका राइट एरो मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है, ये हो गया। अच्छा, सिर्फ इतना करने से काम नहीं होगा, मुझे ओके का बटन भी दबाना पड़ेगा। अगर मैं ओके करता हूँ तो ये एक्टिव होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये ओके। अब जैसे कि मैंने इन्फॉर्मेशन जो है उसको डिस्प्ले कर दी लेकिन मुझे दिखेगा कहाँ, तो मैं जैसे ही कोई फोटो में क्लिक करता हूँ तो मुझे ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखेगी, और जैसे जैसे अप डाउन करता हूँ तो ये मुझे इंस्टाग्राम दिखेगा या मेरे कैमरे की जो बेसिक सेटिंग्स है वो सारी दिखेगी, जैसे कि मेरा शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ या मेरा पिक्चर स्टाइल वगैरह। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मुझे यहाँ से मिलेगी, लेकिन जैसे ही मैं उसको हटा देता हूँ तो फिर वो सारी चीज़ें हट जाएंगी यहाँ से। जैसे कि फोकस पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक फोटो क्लिक करके दिखाता हूँ यहाँ पर, ये मैंने कैमरा मोड मैन्यूअल रख दिया और ये एक फोटो मैंने क्लिक कर दिया। अब जैसे एक फोटो क्लिक कर दिया तो ये इन्फॉर्मेशन आ गया और ये सारी चीज़ें दिख रही है। आरजीबी हाईलाइट मतलब कि कलर्स जो है उसको ये जो है दिखाएगा, और इसमें फोकस पॉइंट नहीं दिखा रहा है। इसका रीज़न है कि तो मैंने लेंस को मैन्यूअल फोकस पे रख के क्लिक किया। जैसे इसको मैं ऑटो फोकस पे रख के क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने क्लिक कर दिया, तो अब मुझे ऑटो फोकस पॉइंट मतलब कि फोकस कहाँ हुआ है वो भी दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी फिलहाल ऑटो पर है, तो ऑटो में फोकस कहाँ हुआ है, तो ये लाल पॉइंट जो है मुझे डिस्प्ले में दिखेंगे। अगर मुझे ये नहीं देखने हैं तो मुझे यहाँ से सिर्फ फोकस पॉइंट को हटा देना है, तो मुझे ये सारी चीज़ें नहीं दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल ये गया, सब कुछ गया, फोटो जैसे ही मैं प्ले करता हूँ सिंपली फोटो दिखेगा और कुछ नहीं। यस, तो ये डिस्प्ले जो प्लेबैक के पीछे जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में ये सब चीज़ें थी। उसके बाद है कॉपी इमेजेस, ये यहाँ पर इंडिकेट नहीं हो रहा है लेकिन मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास 2 मेमोरी कार्ड हैं और आप चाहते हो कि एक मेमोरी कार्ड से दूसरे मेमोरी कार्ड में मुझे डेटा कॉपी करना है, तो हम लोग कर सकते हैं। आपके पास अच्छे मेमोरी कार्ड थे, एसडी कार्ड प्रोड्यूस, कोई बात नहीं, मैं कल इसका आपको लाइव जो है उसको दिखा दूंगा कि मेरे पास अगर 2 मेमोरी कार्ड है तो मैं एक मेमोरी कार्ड से दूसरे मेमोरी कार्ड में विदाउट कंप्यूटर विदाउट लैपटॉप मैं अपना डेटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर सकता हूँ, वो दोनों चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद है इमेज रिव्यू, इमेज रिव्यू मतलब कि जैसे आप फोटो क्लिक करते हो फोटो क्लिक करने के बाद वो आपको प्रीव्यू दिखता है, तो वो प्रीव्यू ऑन रखने के लिए ये सेटिंग है। अगर इसको आप ऑफ कर दोगे तो फोटो क्लिक करोगे तो पीछे आपको LCD पे आपका फोटो का प्रीव्यू नहीं मिलेगा, इसको हमेशा ऑन रखना है। इसके बाद है आफ्टर डिलीट, ये आफ्टर डिलीट क्या है इसको भी समझने जैसी चीज़ है। इसके अंदर हम लोग जाते हैं तो आपको इसके अंदर 3 ऑप्शन खुलेंगे। पहला है सो नेक्स्ट, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने 50 फोटो क्लिक कर दिए, अब जैसे मैं फोटो प्ले कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल कि मुझे 15वां नंबर का फोटो दिख रहा है,
जैसे मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ तो मुझे 16 नंबर का फोटो दिखेगा, अगर मैं उसको 16 नंबर को डिलीट कर रहा हूँ तो 17 नंबर दिखेगा, लेकिन अगर इसको मैं नीचे ले आता हूँ सो प्रीवियस तो ये उल्टे क्रम में जाएगा, मतलब कि 15 नंबर का फोटो अगर डिलीट करता हूँ तो मुझे 14 नंबर का दिखाई देगा, उसके बाद 13 नंबर, 12 नंबर, मतलब कि हमें कई बार ऐसा होता है कि रिवर्स ऑर्डर में जाना होता है, तब मुझे बहुत ही यूजफुल है डिलीट करते वक्त वन बाय वन इमेज को, कई बार हमें आगे जाना होता है कई बार पीछे जाना होता है, तो आप यहाँ से उसको जो है सेट कर सकते हो और उसके बाद है कंटिन्यूज एज बिफोर, मतलब पहले जैसा था वैसे करना है तो, और ज़्यादातर लोग जो है 100 नेक्स्ट रखते हैं। चलिए उसके बाद रोटेट टॉल, तो इसको हमेशा ऑन रखना है, इसको ऑन रखने से क्या होगा, जब आप फोटोग्राफी करते हो तो आपके कैमरे में फोटो आपको सीधे दिखेंगे, नहीं तो आपको कैमरा इस तरह से वर्टिकल करके देखना पड़ेगा, अब ये हॉरिजॉन्टल में भी आपको फोटो जो है सीधा दिखेगा। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि ये कुछ हमने चार और आठ चीज़ें देखी, लेकिन ये स्लाइडर देखो आधा है, दैट मीन्स के इसके नीचे भी सेटिंग्स है, तो मुझे डाउन जाना है तो और भी जो दो तीन सेटिंग्स है वो मुझे दिखाई देंगे। उसके बाद है स्लाइड शो, मतलब कि अगर मुझे मेरे बहुत सारे पिक्चर्स है और मुझे इस तरीके से कंप्यूटर में, लैपटॉप में या अगर मुझे टीवी में प्ले करना है तो सिंपली मुझे इसको यहाँ से स्टार्ट कर देना है, तो वन बाय वन जितने भी मेरे फोटो या वीडियो है वो सब स्टार्ट हो जाएंगे प्ले होना और चालू हो जाएंगे, सिंपल है, कुछ नहीं और आपको कुछ करना नहीं है, वन बाय वन दूसरे इमेजेस चालू चलते रहेंगे और प्ले करता रहेगा, ताकि आपको वन बाय वन जो है नेक्स्ट या प्रीवियस ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, वो सीधा जो है वो कैप्चर करता रहेगा, तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हो। इसके बाद है प्रिंट ऑर्डर, अगर आप चाहते हो कि कैमरे से सीधा मुझे प्रिंट निकालना है, मतलब कि यूएसबी केबल लगा के, तो आप यहां से वो भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये पहला जो सेटिंग थे सारे थे प्लेबैक के रिलेटेड, तो आपको इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, तो 3-4 मिनट के लिए हम लोग जो है अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो, आप टाइप कर सकते हो, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आप थंब का निशान या हार्ट का निशान लगा सकते हो। यस है मिला, आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, आप भी पूछ सकते हो सर, जब तक ऑडियंस का क्वेश्चन आ रहे तब तक आप भी कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। जब भी आप ये सब शूट करते हो तो प्लेबैक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे शूट किया उसके बाद उसके प्रीव्यू, उसके इन्फॉर्मेशन देखना और ये सारे सेटिंग्स भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो सर, तुमने के पास इमेज और रोटेशन ऑफ रखे तो फायदा हो जाएगा यार, मैं अगर पोर्ट्रेट मोड पाड़े रोटेशन ऑन थोड़ा पिक्चर ऊपर दिए आपको स्क्रीन मार और अगर वो ऑफ रखे प्रॉपर आठ पड़े तो पिक्चर व्यवस्थित देगा, मतलब हमारा कैमरा ऊपर करो पड़े पर पिक्चर सारा देखा है। एक बहुत अच्छी बात है कि अगर हम लोग पोर्ट्रेट मोड इसको रोटेट को ऑफ रखते हैं तो क्या होता है कि कैमरा आपको वर्टिकल करके देखना पड़ता है, बट आपको इमेज साइज जो पूरी स्क्रीन में दिखती है वो अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हर बार आपको कैमरा रोटेट करना पड़ रहा है, ये अगर आप हैबिट है तो अच्छी बात है, अगर हैबिट नहीं है तो क्या होता है कि अगर सब लोग मुझे कस्टमर मेरे साथ बैठा है और उसको मुझे कुछ इमेजेस दिखाना है तो होता क्या है कभी मुझे इस तरह से टर्न करना है, कभी इस तरह से टर्न करना है, तो वो टर्न करने की जरूरत ना पड़े इसलिए रोटेट ऑन रखना है, ताकि एक लगातार एक आपको पकड़ के रखना है। हाँ, जब मुझे क्लाइंट को मैं चाहता हूँ डिटेल दिखाना तब मैं उसको जूम इन करके या जूम आउट करके भी दिखा सकता हूँ, तो ये भी एक चीज़ है जो यूजफुल है, छोटी चीज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैं ऑडियंस को भी बोलना चाहूँगा आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। स्लाइड शो फिर से बता दो सर, कौन सी वाली स्लाइड सर, इतना स्लो तो जा रहा है सर, अभी से स्लो कितना जाएंगे, नहीं तो फिर एक दिन में खत्म भी नहीं होगा दादा। यस, मेरे ख्याल से मुझे ये लग रहा है कि 10 सेकंड ये जो डिले आ रहा है उसके कारण सारे लोग क्वेश्चंस जो है डिले आ रहा है मेरे पास, बट आई होप कि आपको अच्छा लगा, और अगर क्वेश्चंस नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारी चीजें जिसके अंदर हमें डीप में जाना है। चलिए अच्छी बात है, कुछ लोग हैं अपना जो है स्टूडियो का नाम और अपने सिटी का नाम भी लिख रहे हैं तो लिखना चाहिए, धन्यवाद। टिप्स फॉर सिनेमाटोग्राफी सर बहुत जल्द आएगा सिनेमाटोग्राफी के ऊपर भी, फिलहाल सिर्फ कैमरा मेनू सेटिंग के बारे में बात करेंगे और सारे सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे वन बाय वन, आप सजेशन में डाल सकते हो तो, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ इतना करेंगे। चलिए मेरे ख्याल से हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो नेक्स्ट सेटिंग जो है उसके ऊपर हम लोग जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए उसके बाद है प्लेबैक के बाद इमीडिएटली दूसरा ऑप्शन है फोटो शूटिंग मेनू,
मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं. ओके ये शायद थोड़ा सा डिले है इसलिए क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं क्वेश्चन दो तीन है उसको ले लेता हूँ सर जी. ओके फोकस ट्रैकिंग, फोकस ट्रैकिंग का पूरा फोकस के अंदर जब हम लोग देखेंगे तब पूरा ये सेटअप आएगा. मेरे ख्याल से जो अभी जो मेनू था प्लेबैक उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं. चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो है आगे के मेनू सेटिंग देखते हैं, फिर आप क्वेश्चन रेडी करना अगर आपके दिमाग में आता है तो हम लोग उसको भी देख लेंगे. नंबर टू फोटो शूटिंग मेनू, मतलब क्या हम जो फोटो क्लिक करेंगे तो उसके जो सेटिंग्स उसके बारे में यह है. तो चलिए पहला जिसमें है स्टोरेज फोल्डर. अब आप पूछोगे सर ये स्टोरेज फोल्डर क्या है और हमें उसकी क्या जरूरत है, रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके अंदर हम लोग जाते हैं तो दो ऑप्शन निकलते, एक सिलेक्ट फोल्डर बाय नंबर, दूसरा है सिलेक्ट फोल्डर बाय लिस्ट. अब जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर मैं जो नया अगर मुझे फोल्डर बनाना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर फोल्डर नंबर बना दिया, मुझे फॉर एग्जाम्पल पसंद है 111, तो मैंने 1113 यानी कि अब मैंने नया फोल्डर बना दिया. आप बोलोगे सर इसका क्या फ़ायदा, फोल्डर बनाने से क्या फ़ायदा होता है. जैसे मेरे साथ हमेशा ये होता है कि जब मैं वेडिंग शूट करने जाता हूँ तो ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को. फॉर एग्जाम्पल एक तारीख और दो तारीख, दो दिन में दो शादियाँ हैं मेरे पास, लेकिन प्रोग्राम कुछ ऐसा है, इवेंट का शेड्यूल कुछ ऐसा है कि क्लाइंट ए उसका सुबह में पहली तारीख को सुबह में इवेंट है और क्लाइंट बी उसका शाम को इवेंट है, ध्यान से समझना. और दूसरी तारीख से फिर से दूसरे क्लाइंट का सुबह में है और पहले क्लाइंट का शाम को है, मतलब कि दोनों क्रॉस है. अब गड़बड़ क्या होती है जब हम लोग वेडिंग शूट करने जाते हैं तो एक कार्ड में लगातार फोटोग्राफी करते हैं और उसके बाद समझो सुबह में एक इवेंट शूट किया, शाम को एक इवेंट शूट किया, लेकिन डेटा सब मिक्सअप हो जाता है और हम उसको डिफाइन करने में हमें घर पे जाके कंप्यूटर पे जाके उसको अलग से करना पड़ता है. यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लाइंट वन फॉर एग्जाम्पल सुबह का पहली तारीख का इवेंट है तो आपने फोल्डर बना दिया 111, शूट कर लो सुबह से लेकर दोपहर तक जब तक आपका इवेंट चलता है. जैसे शाम का दूसरा इवेंट है मतलब क्लाइंट नंबर टू, तब आपको क्या करना है, फोल्डर नया बना देना है. फोल्डर नया बनाने से फायदा क्या होगा, अब जैसे मैंने यहाँ से एक तो बन चुका है, अब मैं इसको दो या तीन या उसका नंबर में टोटल अलग तरीके से लिख लूंगा, तो मुझे फायदा क्या हुआ, इसमें भी दो फोल्डर बन गए, मतलब क्लाइंट टू का फोल्डर हो गया 200 नंबर से शुरू. दूसरे दिन सुबह जब मैं फिर से जाऊंगा, मैं यहाँ से जो सिलेक्शन है वो मैं कर दूंगा यहाँ से 111, मतलब कि अब मेरे पास दो फोल्डर है, ये मेरा करंट चल रहा था, ये मैंने अभी फिलहाल अभी एक क्लाइंट के लिए बनाया, ये दूसरे क्लाइंट के लिए बनाया. अब जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा डे टू को अर्ली मॉर्निंग में, तो मेरा फायदा क्या होगा कि मुझे घर जाके दोनों के जो फोटोग्राफ्स है उसको सिलेक्शन करना, वीडियो को सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं, दोनों का सेपरेट हो गया. और खास करके ये उन लोगों के लिए जिनके पास ज़्यादा क्लाइंट्स है, ज़्यादा काम रहता है, ज़्यादा कुछ डेट्स में बहुत ज़्यादा वेडिंग्स रहते हैं, मिक्सअप हो जाता है, तो कई बार हमारे कुछ डेटा मिसप्लेस हो जाता है. फॉर एग्जांपल हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ हल्दी के लिए बुला लिया, भैया दो घंटे के लिए आ जाओ ना, अब वो दो घंटे के लिए गया लेकिन वो फोटोग्राफ्स किसी और क्लाइंट के फोल्डर में चले गए, हमें पता नहीं है, क्योंकि हम लोग जब डेटा देखते 10-15 दिन निकल जाते हैं और फिर हम लोग कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. तो ये सब छोटी छोटी टेक्निक्स है लेकिन आपको बहुत यूज़फुल है, ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं जहाँ पर आप इस फोल्डर सिलेक्शन का यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है. ओके उसके बाद यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है फाइल नेमिंग. बहुत सारे कैमराज में ये है, कुछ कंपनीज इसको नहीं देती है परमिशन, लेकिन कुछ कंपनीज इसको देती है, जैसे कि यहाँ पर फाइल नेम है, तो यहाँ पर आपका फाइल नेम जहाँ पर लिखा है HNS, मतलब कि मेरा जो फ्रेंड है हेमिल नीलेश भाई शाह, तो HNS मतलब ये तीन अक्षरों का आपको ये परमिशन देता है लिखने के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ से फाइल नेम आपकी शुरू होती है. लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हो सके तो आपको अगर कंफर्टेबल हो तो आप क्या करो कि इसका नाम का तरीका बदल दो. कैसे, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप जनवरी में शूट कर रहे हो तो यहाँ पर लिखिए JAN जनवरी, उससे फायदा क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल जनवरी के अंदर जितने भी वेडिंग्स हुए या इवेंट्स हुए तो आपके पास जो फाइल नेम है वो ऐसा होगा जनवरी, फिर 1 से लेकर 9999. फरवरी आता तब FEB लिख लो, मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इस तरीके से 12 महीने के 12 नेम अलग अलग कर दो. आप बोलोगे सर इसका फायदा क्या और ऐसा क्यों करना है, तो उसके बहुत सारे फायदे. फॉर एग्जांपल एक तो फाइल नेम देख के आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से मंथ में शूट हुआ है, नंबर वन. नंबर टू कभी ना करें और आपका अगर हार्ड डिस्क करप्ट हो गया या फॉर्मेट हो गया या आपके डेटा लॉस हो गए तो होगा क्या कि अगर आपने इस नाम से सारे फोटो सेव किए हैं तो गड़बड़ ये हो जाएगी कि सारे एक ही नाम के फाइल कई बार रिपीट हो जाएंगे, ध्यान से समझना.
लेकिन अगर आपने जनवरी फरवरी यार इस तरह से आपने किया है तो फायदा क्या होगा कि आपने जितने भी एक साल के अंदर जितने भी फोटोग्राफ्स क्लिक किए सारे के नाम नेम और नंबर जो है डिफरेंट हो जाएंगे, तो रिकवरी में आसान हो जाएगी। कई बार क्या होता है रिकवरी करते वक्त वो सेम नाम नंबर निकलते हैं, तो फिर वो सॉफ्टवेयर जो उसको रीड नहीं कर पाता या हम जज नहीं कर पाते कि कौन सा फोटो मेरा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको हो सके अगर आपको कंफर्टेबल हो तो इस तरह से कीजिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और एक ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, रोल प्लेड बाय कार्ड इन स्लॉट टू। मतलब कि ये जो कैमरा है वो हमें फैसिलिटी देता है कि हम लोग दो कैमरा कार्ड जो है इसमें लगा सकते हैं, दो कार्ड लगा सकते हैं, तो उसका कुछ काम भी होगा दो कार्ड का। चलिए देखते हैं वो किस तरह से काम करता है। पहला है, इसके अंदर तीन ऑप्शन है, इसके अंदर तीन ऑप्शन है। पहला है ओवरफ्लो, इसका मतलब होता है कि एक कार्ड भर जाने के बाद ही दूसरे कार्ड में डेटा जाएगा। मतलब कि आप लगातार क्लिक करे जा रहे हो, आपके पास दो कार्ड इसमें लगे हुए हैं 32 जीबी का, एक भरेगा और ऑटोमेटिकली कैमरा जो है दूसरे कार्ड में आपका डेटा ट्रांसफर करना शुरू कर देगा। लेकिन नंबर दो जो मैं रेकमेंड करता हूँ ज़्यादातर लोगों को, कि आप अगर दो कार्ड है आपके पास, और मैं ये मानता हूँ कि चाहे क्लाइंट छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन बैकअप के लिए आपको हमेशा दो कार्ड यूज़ करने चाहिए। फ़ायदा क्या होता है कि आप कार्ड ए में जितना शूट कर रहे हो उतना ही अगर इस सेटिंग पर रखते हो तो कैमरा जो है दूसरे कार्ड में डेटा भी सेव करेगा। मतलब कि एक जैसे दो फाइल, फॉर एग्जांपल आपने एक दिन में समझ लो 500 फोटो क्लिक कर लिए, तो आपके पास ए कार्ड में 500 फोटो है और बी कार्ड में 500 फोटो है, मतलब कि आपके पास दोनों कार्ड में टोटल डेटा है। तो इसका कई बार फायदा भी मिलता है, तो ये भी आप कर सकते हो। इसके अलावा कंपनी ने एक और अच्छा ऑप्शन दिया है, जो लोग खास करके फैशन फोटोग्राफर है या जो लोग ट्रैवल फोटोग्राफी करते हैं या फिर जो लोग कैंडिड शॉट्स बनाते हैं जिनको लाइट का बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहता है, या ऐसा बोल सकते हो कि जिसको पोस्ट प्रोसेस में बहुत अच्छा ज़्यादा काम करना है, तो एक ऑप्शन और अच्छा है। इसमें लिखा है रॉ इन स्लॉट वन, मतलब कि एक कार्ड में, पहले कार्ड में जो है रॉ फाइल सेव होगी और दूसरे कार्ड में जो है जेपीजी सेव हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जो लोग खास करके फैशन फोटोग्राफी करते हैं या फिर कैंडिड शॉट्स बनाते हैं या फिर ट्रैवल फोटोग्राफी करते हैं, जिसको बाद में पोस्ट प्रोसेस में काफ़ी सारा काम करना है, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो आपको हमेशा एक फाइल में रॉ और एक में जेपीजी रखना चाहिए, जिससे कि आपको बैकअप भी बना रहेगा, क्लाइंट को इमीडिएटली दिखाने के लिए आपके पास जेपीजी है या फिर आपको बैकअप लेने के लिए जेपीजी है, और पोस्ट प्रोसेस के लिए आपके पास रॉ फाइल है जिसमें आप बाद में जो एक्सपोजर करेक्ट कर सकते हो, वाइट बैलेंस करेक्ट कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आप इसमें करेक्ट कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इमेज क्वालिटी, अब हम लोग जो फोटो क्लिक कर रहे हैं उसकी इमेज की क्वालिटी क्या होगी। तो जैसे ही अंदर जाते हैं सबको पता है फाइन नॉर्मल और बेसिक, लेकिन इसके ऊपर अगर कोई बंदा चाहता है कि नहीं सर मुझे सिर्फ रॉ फोटो क्लिक करना है, जेपीजी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से सिर्फ रॉ कर सकता हूँ, ध्यान से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सर अभी आपने जो बताया था वो मेनू में फिर से जाते हैं, फॉर एग्जांपल सर मेरे पास कार्ड ए है और मुझे दो फोटो चाहिए, तो मेरे पास कार्ड ए है और मुझे रॉ और जेपीजी दोनों चाहिए, तो फिर आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपने एक कार्ड लगा दिया और यहाँ से जाके आपको रॉ प्लस जेपीजी कर देना है। जैसे ही आप रॉ प्लस जेपीजी कर दोगे इसका मतलब कि भले ही आपके पास एक कार्ड होगा लेकिन आपके दो इमेज से होंगे रॉ और जेपीजी, डिपेंड आपके कार्ड की कैपेसिटी कितनी है उसके हिसाब से आपके नंबर ऑफ शॉट्स जो है सेव कर पाओगे। तो फंडामेंटल बहुत सिंपल है, लेकिन उसका फाइल साइज क्या रखेंगे, साइज उसकी क्वालिटी तो क्लियर होगी। यहां पर है लार्ज, लार्ज का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली 24.2 मेगापिक्सल का इमेज साइज जो है ये हमें कैप्चर करके देगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें जरूरत नहीं है कि हमें बड़ी इमेज कॉपी जो है लार्ज साइज मिले, तो हम लोग उसको 13 मेगापिक्सल्स के आसपास भी ले जा सकते हैं, मतलब कि मीडियम साइज। बट मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप वेडिंग इंडस्ट्री में हो तो आपको लार्ज ही रखना है। हाँ, अगर आपका स्टूडियो है और सिर्फ आपको पोर्ट्रेट क्लिक करना है, यानी कि सॉरी पासपोर्ट फोटो क्लिक करना है, तो फिर आप उसको मीडियम पे रख सकते हो, अदरवाइज आपको जो है इसको लार्ज पे रखना चाहिए। या फिर कभी कभी हम लोग जो है आजकल वेडिंग में ट्रेंड निकला है सेटअप रेडी करके इंस्टेंट फोटो क्लिक करने के लिए, तो हमें कई बार हमें वहाँ पर 200 300 500 फोटो क्लिक करने होते हैं जिसके हमें ज़रूरत नहीं कि उसको लार्ज साइज करें, तो फिर हम उसको मीडियम पे रख के भी क्लिक कर सकते हैं। तो वो डिपेंड है, वो आपकी चॉइस के ऊपर कि आप किस तरह से उसको काम करोगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद इमेज एरिया, अब इसके अंदर जाते हैं तो ये खास करके जो फुल फ्रेम कैमराज है उसमें ये सेटअप हमें दिखाई देता है, एफएक्स या फिर
1.2x, मतलब के आप बगैर लेंस चेंज करें, कुछ भी चेंज करें, क्रॉप थोड़ा सा क्रॉप आप एरिया यहाँ पर यूज कर सकते हो, मतलब के 1.2x जितना ये जूम करके देगा, मतलब कि ये जो सेंसर है पूरा यूज नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा। अब निकॉन का ये बहुत बड़ा फायदा है कि अगर आपके पास एफएक्स मतलब कि फुल फ्रेम का कैमरा है जैसे कि D750, लेकिन लेंस आपके पास क्रॉप सेंसर का है, मतलब के जैसे कि मेरा 7200 या जो क्रॉप सेंसर कैमरा उसका अगर कोई लेंस है जैसे 18-105 का, वो लेंस अगर मैं लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, तो मुझे यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा DX फॉर्मेट का लेंस है वो मेरे इस कैमरे में काम करेगा, हालांकि मुझे DX जितना ही प्रीव्यू मिलेगा, DX जितना ही मुझे फ्रेमवर्क मिलेगा, लेकिन मैं इस पर काम कर सकता हूँ, हालांकि कुछ अदर ब्रांड्स में ये फैसिलिटीज नहीं है, तो ये आप इस तरह से भी कर सकते हो। कई बार हम लोग जो है, मैं भी ये यूज़ करता हूँ, अगर मैंने समझ लो मैं कुछ कैंडिडेट शूट करने गया और मैं डिस्टेंस पे काफ़ी खड़ा हूँ और मुझे समझ लो दूर से ही किसी के पोर्ट्रेट शॉट लेने हैं, मेरे पास 70-200 का लेंस नहीं है, 24 अभी मेरे पास 120 का ही लेंस है, तो अगर मैं 1.5 कर देता हूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली मुझे 150 से 200 mm, मतलब कि 150 to 160 mm का लेंस मुझे जो है प्रीव्यू मिल सकता है। तो विदाउट लेंस चेंजिंग ऑफ लेंस मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आपको इसको सिंपली एफएक्स पे रखना है। अगर आपके पास और लेंसेज नहीं है, आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हो, तो इसको रख सकते हो, अगर नहीं रखोगे तो भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जेपीजी कंप्रेशन, अब बहुत सारे लोगों ने फाइल साइज तो देखा है, लेकिन जेपीजी कंप्रेशन क्या है इसके बारे में कई सारे लोगों को पता नहीं है, और ना ही उसके बारे में उन्होंने कभी बात की है ना कभी देखा है। अब इसके अंदर जाते हैं तो दो ऑप्शन खुल जाते हैं, एक है ऑप्टिमल क्वालिटी, दूसरा है साइज प्रायोरिटी। अब आप समझोगे यार ये क्या है, तो इसको पहले इसके लिए हमको इससे बाहर आ जाना पड़ेगा। मैं जैसे ही बाहर आता हूँ और मैं इन्फो का बटन दबाता हूँ, जैसे ही मैं इन्फो का बटन दबाता हूँ तो मुझे दिखाई देगा मेरा कैमरे का बेसिक सेटअप। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 304 इमेज अभी क्लिक होना बाकी है, मतलब कि इस कार्ड में अभी कैपेसिटी कितनी है, 304 फोटो अभी क्लिक होना बाकी है रिसेंट सेटिंग पे। इसका मतलब हुआ पहले मैं आपको इसका जो सेटअप है इसको जेपीजी कर लेते, उसके बाद जो है हम इसका कंप्रेशन को कम ज़्यादा करते हैं। तो पहले हम लोग सिंपली जेपीजी पे आ गए, फाइन लार्ज पे आ गए, मेरे पास दूसरा कार्ड नहीं है, सिर्फ मुझे ओवरफ्लो चाहिए, ये मेरा फंडामेंटल हो गया, मतलब फाइन लार्ज मेरा फाइल फॉर्मेट और साइज हो गया। अब मैं जा रहा हूँ फिर से इन्फॉर्मेशन में, मुझे पता चलेगा कि मेरे 1000 फोटो सेव होने वाले हैं। दैट मीन्स कि अब मैं लार्ज और जेपीजी पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे कैमरे की मेरे कार्ड के अंदर स्पेस इतनी है कि मैं 1000 फोटो जो है सेव कर सकता हूँ। अब आती है साइज प्रायोरिटी और ऑप्टिमल क्वालिटी की। तो जैसे ही मैं कंप्रेशन में जाता हूँ, अब मैं साइज प्रायोरिटी पे जाता हूँ। पहले था ऑप्टिमल क्वालिटी, इसका मतलब था कि सेंसर की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है जेपीजी में मिलनी चाहिए। ऑप्टिमम क्वालिटी पे जाता हूँ, ओके कर दिया, बाहर आ गया, इन्फो बटन दबा दिया। जैसे ही इन्फो बटन दबाया, अप्रोक्सीमेटली 1300 फोटो, मतलब कि 300 फोटो की स्पेस बढ़ गई मेरा मेमोरी कार्ड में, और मैं 300 फोटो और सेव कर सकता हूँ। तो ध्यान से देखना, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 30-33% क्वालिटी जो है रिड्यूस हो गई। बात को समझना, स्पेस बढ़ जाना मतलब कि कार्ड बड़ा नहीं हो रहा है, बट इमेज की क्वालिटी कम हो गई। तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि आपके पास स्पेस कम है और फोटो ज़्यादा सेव करना है, तो आप साइज प्रायोरिटी पे आ जाओ। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और सारे फोटो जो है फुल एक्चुअल जो है जेपीजी, मतलब कि फुल मेरी जो ऑप्टिमल क्वालिटी है उसमें मुझे मिलनी चाहिए, तो आपको यहाँ पर रखना चाहिए। सिंपल सी बात, मैं हमेशा ऑप्टिमल क्वालिटी रिकमेंड करता हूँ, बट कभी कभी अगर आपको ऐसा लगता है, फाइल साइज वही है, फाइन और लार्ज उसमें कोई चेंज नहीं है, बट इसके अंदर अगर आप चाहो तो कुछ चेंज कर सकते हो, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। उसके बाद अब देखो ये पूरा एक स्लाइड खत्म हो गया, लेकिन मेरे पास यहाँ पर स्लाइडर जो, इसको मैं नीचे लेके आऊँगा तो और भी जो सेटिंग्स है वो मुझे दिखेंगे। नीचे आने के बाद अब देखो ये स्लाइडर नीचे आ गया, तो आपको मेनू में सिर्फ इतना नहीं है, नीचे आओगे तो और भी सेटिंग्स खुल जाएंगे। चलिए, मैंने आपको जेपीजी में तो दिखा दिया कि ऑप्टिमल क्वालिटी मतलब ज़्यादा आपको जो है रिजोल्यूशन मिलेगा, ज़्यादा क्वालिटी मिलेगी, साइज प्रायोरिटी में थोड़ा सा वो कंप्रेस कर देगा करीबन 30%। लेकिन रॉ में क्या है सर, रॉ के अंदर भी तो कुछ होगा, चलिए रॉ के अंदर देखते हैं। तो उसमें दो ऑप्शन है, पहले लॉसलेस कंप्रेस और दूसरा है कंप्रेस। पहला है लॉसलेस, इसका मतलब के 100% रॉ लॉस करे बिगर का। दूसरा ऑप्शन है कंप्रेस, मतलब के रॉ तो है लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा कंप्रेस किया हुआ है, तो इसमें भी आपकी जो है फाइल साइज जो है उसमें फर्क आएगा। तो अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको इसको सिलेक्ट करना चाहिए, हो सके तो लॉसलेस रखिए, वो ज़्यादा बेटर है।
उसके बाद और एक चीज थी इसके अंदर, बिट डेप्थ, मतलब कि कितनी बिट रेट पे ये शूट करेगा, 12 बिट पे या 14 बिट पे। तो फिलहाल 14 बिट पे मैं भी आपको रेकमेंड करूंगा, 14 बिट पे रखो इसको कैप्चर कीजिए ताकि आप जो है इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों को ये बहुत ज्यादा दिक्कत देता है लेकिन बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट भी है, वाइट बैलेंस। हालांकि इसके ऊपर मेरा पूरा एक मैंने सेशन बना के रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वाइट बैलेंस के ऊपर ही पूरा एक सेशन बना दूँ, तो करीबन आधा पौने घंटे का सेशन है, तो हम लोग शायद उसको कल या परसों प्योरली वाइट बैलेंस, जिसके अंदर प्री वाइट बैलेंस या फिर वीडियो लाइट में कैसे काम करना है, कैंडिड में कौन सा वाइट बैलेंस रखना है, डे लाइट में कैसे वाइट बैलेंस करना है, वाइट बैलेंस ब्रैकेटिंग क्या होता है, कलर गैमेट क्या होता है, उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। और उसके अलावा मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे फोटोग्राफर को और एक दिक्कत आती है, आप जब संगीत संध्या में, महिला संगीत में या डीजे नाइट में जाते हो तो आपने देखा होगा कि वो लाल पीला लाइट चलता है, उस लाल पीले वाले लाइट यानी कि एलईडी लाइट जो आजकल बहुत ज़्यादा डेकोरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें कैसे काम करना है, उसमें कैसे वाइट बैलेंस करना है, उसके बारे में मैं पूरा एपिसोड लेके आ रहा हूँ। तो आप चाहते हो कि उस एपिसोड में आना है तो फिर से थंब या दिल का निशान कीजिए, तो मुझे और भी अच्छा लगेगा और मुझे पता चलेगा कि आपको उसके अंदर और डिटेल में जानना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग पूरा एक सेशन बनाएंगे डेडिकेटेडली वाइट बैलेंस के लिए। तो फिलहाल इससे भी आगे बढ़ते हैं, चलिए किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, किसी को कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल जा रहा है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछिए और भी अच्छा लगेगा। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ओके, वाइट बैलेंस के लिए सारे लोग रेडी है, वेरी नाइस। किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें हैं जो मैं अभी फिलहाल आपको सिर्फ बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये सारी चीज मैं डिटेल में आपको एज ए फोटोग्राफ्स एज ए क्लिक करके विथ डेटा दिखाऊं कि एग्जैक्टली और कितना डिटेल में जा सकते, ताकि आप लोग अपने कैमरे का बेहतरीन से बेहतरीन यूज कर पाओ और अच्छे से अच्छा आउटपुट निकाल पाओ। छोटी 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 चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर वेडिंग में हर जगह आपको काम में आएगी। श्योर सर, कलर टेम्परेचर के बारे में भी आएगा, फोकस के बारे में भी आएगा, कन्फर्म है। मैं यही चाहता हूँ कि मैं आपको वाइट बैलेंस और कलर टेम्परेचर के बारे में पूरे डिटेल में बताऊँ। श्योर सर, जी सर, ऑप्टिमल क्वालिटी में मैक्सिमम क्वालिटी आपको जो है जेपीजी में मिलेगी, उसमें फिर रिड्यूस या कंप्रेस फाइल नहीं मिलेगी। नीलम स्टूडियो कलोल, थैंक यू सर। ओके, दो तीन क्वेश्चंस थे कि सर फंडामेंटल बेसिक वाइट बैलेंस के बारे में बताओ, तो मैं आपको इस मेनू में ही बता देता हूं इन डिटेल इन डेप्थ में, फोटो के साथ मैं शायद कल या परसों एक दो दिन में बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बेसिक, किसी ने पूछा है तो मैं आपको बात निकली तो बता देता हूँ कि फंडामेंटली क्या होता है, कैसे होता है, क्या काम करता है वाइट बैलेंस के अंदर। जैसे ही हम लोग अंदर जाते हैं तो ये जो आप पैनल देख रहे हो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल वाइट बैलेंस, मतलब कि प्रिय जो कंपनी ने बाय डिफॉल्ट बना के दिए है। सबसे पहला ऑप्शन सबको पता है ऑटो, जो ऑटोमेटिक काम करता है। नंबर टू है इनकंडेंसेंट, मतलब के अगर आप येलो लाइट में काम कर रहे हो, येलो लाइट बोले तो हम जिसको पोर्टा लाइट बोलते हैं, सनगन बोलते हैं, सनलाइट बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं, ये सारे वर्ड्स अलग अलग यूज होते हैं लेकिन लाइट एक ही होता है हमारा, पीला वाला जो रूटीन हम लोग वेडिंग में जो ज़्यादातर वीडियोग्राफर्स यूज करते हैं वो है। अगर आप इस लाइट में, मतलब के येलो कलर की लाइट में अगर आप शूट कर रहे हो और फ्लैश यूज नहीं कर रहे हो, उस समय अगर आप इस पर रख दोगे तब भी आपको स्किन टोन जो है बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत प्योर मिलेगा। नंबर वन, मतलब कि अगर पीले कलर की अगर कोई लाइट देखते हो, जैसे हमारे जो वीडियोग्राफर दोस्त जो लेके आते हैं उसमें, उस पर अगर आप शूट करते हो अवेलेबल में, तो आपको यहाँ पर रखना है। उसके बाद इसका अप्रोक्सीमेटली कलर टेम्परेचर होता है 3000 केल्विन, मतलब कि अगर आप वीडियो लाइट है और 3000 केल्विन रखो या फिर आप इनकंडेंसेंट पे रखो, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का काम एक ही है।
उसके बाद कई सारे जो फोटोग्राफर्स है, कई सारी जगह पर जो टेंट वाले है या फिर डेकोरेटर्स या फराज खाना वाले, वो लाइट लगाते हैं मर्क्यूरी लाइट। इसका कलर टेम्परेचर होता है 4000 केल्विन, या फिर इसको बोल सकते हैं आप लोग सरल और टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोला जाता है फ्लोरोसेंट, मतलब के 4000 केल्विन पे। इसके बाद है डायरेक्ट सनलाइट, जो सबको पता है अप्रोक्सीमेटली 5400 या 5500 केल्विन। उसके बाद फ्लैश लाइट, अगर आप फ्लैश यूज़ कर रहे हो तो आपको फ्लैश पे रखना चाहिए। अगर आप इनडोर शूट कर रहे हो, आउटडोर शूट कर रहे हो, डजेंट मैटर, दिन है रात है डजेंट मैटर, लेकिन अगर आपका फ्लैश पावरफुल है तो आपको फ्लैश पे रखना चाहिए, उसमें आपको काफ़ी अच्छे से स्किन टोन मिलेंगे। उसके बाद है क्लाउडी, कई बार बरसात की सीजन होती है, क्लाउड ज़्यादा रहते हैं, बादल ज़्यादा रहते हैं, उस समय अप्रोक्सीमेटली 6500 से 7000 केल्विन बन जाता है। लेकिन अगर आपको केल्विन याद नहीं रहता है तो फिर आप क्लाउडी पे भी रख सकते हो। और कई बार हम लोग जो है किसी बिल्डिंग के शेडो में, आप देख सकते हो घर है उसका शेडो, मतलब कि शेडो वाली जगह पे कहीं पे काम कर रहे हो, तब आप इसको शेडो पे भी रख सकते हो। कुल मिला के लाइट का कलर कौन सा है उसके हिसाब से आपको ये कलर बैलेंस यानी कि वाइट बैलेंस जो है इसको सेट करना होता है। इसका एक्चुअल वर्ड है कलर टेम्परेचर, हम लोग डिटेल में कभी जाएंगे तो आपको उसमें और बताऊंगा, लेकिन उसको और थोड़ा सा अंदर जाए तो दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर उसकी वैल्यूज लिखी है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 2500 केल्विन से लेकर 10000 केल्विन तक आप काम कर सकते हो। सनराइज है या सनसेट, मतलब कि गोल्डन आवर है, उस समय आपको करीबन 2800 से 3000 केल्विन के बीच रखना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आपका वीडियो लाइट या पोर्टल लाइट जिसको बोलते हो, सनगन बोलते हैं, उसमें अगर आपको 3000 से 3200 केल्विन में आपको अच्छे से जो है स्किन टोन परफेक्ट मिलेगा। उसके अलावा डे लाइट में हो तो 5000 केल्विन। लेकिन उसके साथ साथ मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप स्टूडियो फोटोग्राफर हो, मगर आप स्टूडियो में ही अंदर फोटोग्राफी करते हो, आप स्टूडियो यूनिट यानी कि हमारा स्टूडियो का जो लाइट आता है वो यूज़ करते हो, तो अप्रोक्सीमेटली 4800 केल्विन के आसपास रखिए, आपको परफेक्ट स्किन टोन मिलेगा। कोई भी कंपनी का लाइट होगा, चाहे आपके पास एलिंग्रोम हो, गोडॉक्स हो, डिजिटेक हो, सिंपेक्स हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट कलर टेम्परेचर आपको अप्रोक्सीमेटली 48 जो है 100 के अंदर आपको परफेक्टली स्किन टोन मिलेगा। हर कंपनी के अपने एक पैरामीटर्स होते हैं, उसके हिसाब से 100 केल्विन ऊपर नीचे हो सकता है। किसी को 4700 में मिलता है, जैसे कि मेरे पास कैन 5D मार्क 3 भी है, तो मैं जब मार्क 3 मार्क 4 से ही शूट करता हूँ तो मुझे मेरे स्टूडियो यूनिट के अंदर 4700 में परफेक्ट मिलता है, लेकिन जैसे मैं निकॉन पे आता हूँ तो मुझे 4800 या 4900 पे कई बार परफेक्ट मिलता है। तो आप भी उसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपको भी और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे क्लाउडी एटमॉस्फियर है तो मैं 7000 केल्विन यूज़ करता हूँ, अगर मैं डे लाइट में हूँ तो 5000 केल्विन यूज़ करता हूँ। और कभी कभी ऐसा हो सकता है, एक चीज़ और है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कहीं पे धूप है कहीं पे छाँव है, मतलब कि अगर मैं प्री वेडिंग फोटो क्लिक करने गया, समझ लो सब्जेक्ट जो है वो छाँव में है, उसके ऊपर बादल के कारण छाँव है और बैकग्राउंड में जो है स्काई मतलब कि ब्राइट डे लाइट है, ऐसा होता है, तब मैं करीबन 5500 या 5300 केल्विन यूज़ करता हूँ, जो दोनों के बीच का है। इसमें अगर मैं फ्लैश या लाइट या स्टूडियो लाइट या मैं वो कोई और भी कोई एडिशनल चीज़ें यूज़ करता हूँ जिसके कारण मेरा स्किन टोन अच्छा हो, तो मैं केल्विन और कम कर देता हूँ, करीबन 4800 या 4900 के आसपास, तो ये भी मैं सेट करता हूँ। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ पर मजेंटा है, मतलब कि अगर कई लोग ऐसे जिनको थोड़ा सा ग्रीन टोन पसंद है तो आप यहाँ से जो है ग्रीन टोन जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हो, और जो है स्क्रीन में और पूरी इमेज में आपको ग्रीन मिलेगा। और अगर यहाँ पर चाहो तो आप पिंक भी ऐड कर सकते हो, मजेंटा जिसको को बोला जाता है। तो जैसी आपकी चॉइस, हर फोटोग्राफर की अपनी चॉइस होती है, उसके हिसाब से हम लोग इसको कर सकते हैं। इसके बाद सेट पिक्चर कंट्रोल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे फोटोग्राफर जो है इसको पूरी तरह से समझ नहीं पाए और उसके कारण उनको जो मन चाहे रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहला है स्टैंडर्ड। अब देखो जैसे मैंने इसको ऑन किया तो यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर स्टार है, मतलब कि कहीं किसी किसी जगह पर स्टार है। ये स्टार का मतलब होता है कि इस सेटअप में अंदर जाके कुछ ना कुछ चेंज किया गया है, चाहे वो अपनी चॉइस के हिसाब से, जैसे कि आपने शार्पनेस बढ़ाई हो सकती है, सेचुरेशन बढ़ाया हो सकता है, या कुछ भी किया हो सकता है। तो सबसे पहले उसको सिलेक्ट करने के लिए, अंदर जाने के लिए मैं अंदर गया और पहले मैं बाय डिफॉल्ट कर दूंगा। बाय डिफॉल्ट का मतलब कि कंपनी ने जो दिया था उसको मैं सेट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर मुझे बाय डिफॉल्ट सेट करना है तो कहाँ पर है रीसेट, मतलब कि डिलीट का बटन। जैसे मैं डिलीट का बटन दबाता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट मतलब कि डेडिकेटेडली सिर्फ स्टैंडर्ड जो है वो कंपनी ने जो सेट किया था वैसे हो गया।
मैं ज़्यादातर तो पसंद करता हूँ स्टैंडर्ड में शूट करना। बहुत सारे फोटोग्राफर जो है जो इवेंट फोटोग्राफी करते हैं वो चाहते हैं कि स्टैंडर्ड में शूट करें, पोर्ट्रेट शूट करते हैं वो भी स्टैंडर्ड में करते हैं, लेकिन मैं कभी कभी इसको चेंज भी करता हूँ। कब कब चेंज करता हूँ उसके कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास कंपनी ने ये 24-120 का मुझे लेंस दिया, अब मैंने कैमरा लिया उसको एक दो साल के बाद मैंने 70-200 2.8 का लेंस ले लिया या मैंने 85mm का लेंस ले लिया। अब तो लेंस जो मेरा नया वाला है उसकी शार्पनेस बहुत अच्छी है। ये लेंस एक तो F4 है, ऊपर से 1-2-3 साल पुराना है, तो उसकी शार्पनेस नए लेंस के कंपेयर में कम हो जाती है। जब मैं फोटो को इमेज को मेरे जब कंप्यूटर में लेता हूँ तब मुझे पता चलता है कि यार इसमें शार्पनेस ज़्यादा है इसमें कम है, तो मैं क्या करता हूँ उस समय आप देख सकते हो जैसे ही अंदर आते हो तो मैं यहाँ से अगर मैं पुराना लेंस यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं शार्पनेस 2 स्टॉप या 3 स्टॉप दोनों को कंपेयर करने के बाद यहाँ से मैं एडजस्ट करके रखता हूँ ताकि मेरी सारी इमेज से जो परफेक्ट शार्पनेस मुझे दे। अच्छा दोस्तों और एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जितने भी सेटिंग्स मैं बता रहा हूँ ना वो 99% इस तरीके से है कि आपको पोस्ट प्रोसेस में कुछ ना करना पड़े और आपका काम आसान हो। जितने भी सेटिंग्स दिखाऊंगा वो मैं इस तरह से दिखाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो कर रहे हो गलत है या आपका करने का तरीका गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट ये जो मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ वो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ और आप भी इस तरह से करोगे तो आपको भी काम बहुत आसान हो जाएगा। चलिए शार्पनेस तो मैंने बढ़ा दी लेकिन उसके साथ साथ क्लियरिटी, कॉन्ट्रास्ट ये सारी चीज़ मैं ऐसे ही रखता हूँ, मुझे इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी। अगर मेरा लेंस एक पुराना एक नया है तो मेरा ये सेटअप फिलहाल ओके हो गया। लेकिन कोई बंदा चाहता है नहीं सर स्टैंडर्ड में मुझे थोड़े से सेचुरेशन ज़्यादा चाहिए, सेचुरेशन मतलब कि मुझे कलर्स अच्छे चाहिए, वाइब्रेंट चाहिए, तो मैं यहाँ से नीचे आके धीरे 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 सेचुरेशन एक स्टॉप बढ़ा दूंगा। ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, ध्यान रखना सिर्फ एक स्टॉप। मैंने एक स्टॉप जो है सेचुरेशन बढ़ा दिया। अब मेरे जो फोटोग्राफ में जो कलर्स जो आते हैं उसमें थोड़ा सा मुझे वाइब्रेंसी मिलेगी और वो ब्राइट कलर्स दिखेंगे, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। अब कुछ लोग हैं जो अच्छी प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हैं या फिर अच्छी जैसे बोल सकते हो कि जो है वही दिखाना है, जिसको वाइब्रेंसी नहीं चाहिए बट जो है एक्चुअल में वो दिखाना है, तो उनके लिए है न्यूट्रल, मतलब कि जो है वही आपको कैप्चर करना है, तो सबसे पहले न्यूट्रल में। लेकिन इस सेटिंग का और एक बेनिफिट है, क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि दुल्हन जो है वो गोरी है और दूल्हा जो है वो थोड़ा सा डार्क है या ब्लैक स्किन है, मतलब कि बबीता जी और अय्या और इनके जब हम लोग कपल फोटो बनाते हैं तब गड़बड़ हो जाती है, एक ओवर जाता है एक अंडर हो जाता है, मतलब कि पिक्चर जो हमारा सेंसर दोनों को जज नहीं कर पाता, कम ज़्यादा थोड़ा सा रहता ही है अंडर ओवर का मामला। उस समय जो है मैं न्यूट्रल सिलेक्ट करता हूँ और न्यूट्रल में सिर्फ सिलेक्ट नहीं करना है उसमें कुछ चेंजेस भी करना है, लेकिन ध्यान से क्या चेंज करना है, फंडा क्या समझ में आया, एक गोरा एक काला, मतलब के मैं यहाँ पे जाके कॉन्ट्रास्ट में 2 स्टॉप कॉन्ट्रास्ट कम कर दूंगा, यानी कि यहाँ से -2 कॉन्ट्रास्ट -2, मतलब के दोनों एक ब्राइट है एक डार्क है। और ऐसा नहीं सिर्फ बबीता है, कई बार गांव में भी ऐसा होता है, अब जब गांव में जाते हो तो बुजुर्ग लोग हैं उनका मेन काम होता है खेतीबाड़ी या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, लेकिन शादी में वो नए कपड़े पहनते हैं वो भी सफ़ेद कलर के, बहुत सारे जो विलेजेस में ऐसा कल्चर है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, मतलब कि उनका स्किन टोन बहुत ज़्यादा डार्क रहता है और उनके कपड़े जो है वाइट या ब्राइट होते हैं तो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करता है, तो उस समय भी आप जो है कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा 2 स्टॉप कम कर दीजिए और फिर फोटोग्राफी कीजिए। इससे एक्सपोजर में फ़र्क नहीं आएगा, ध्यान से एक्सपोजर में फ़र्क नहीं आ रहा है बट दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके अलावा एक चीज़ और करनी है आपको, सैचुरेशन 1 स्टॉप कम करना है। आप बोलोगे सर सेचुरेशन को क्या लेना था, जैसे ही आप कॉन्ट्रास्ट कम करोगे आप एज ए फोटोग्राफर एज ए आपके LCD स्क्रीन पे आपको थोड़ा सा पिक्चर जो है इमेज जो है वो फीका दिखेगा। अब इमेज फीका दिखेगा दैट मीन्स के फोटोग्राफर और कुछ नहीं कर सकता है, तो सीधा क्या करेगा 1/2 स्टॉप वो एक्सपोजर को ओवर करेगा, मतलब कि एपर्चर ओपन करेगा या ISO बढ़ेगा ताकि उसको अच्छा दिखे, लेकिन उसके चक्कर में फिर क्या होता है बर्निंग शुरू हो जाता है, इमेज जो है आपकी बर्न, तो आपको क्या करना है सेचुरेशन कम करना है। आप बोलोगे सर इमेज बर्न करना और सेचुरेशन को क्या लेना देना, ज़्यादातर जो पिक्सल्स जैसे आप ओवर करोगे तो जो कलर्स जो है ज़्यादा खुलेंगे या फटेंगे तो पेज पड़ना शुरू हो जाएगा, तो और जो कलर्स जो है ज़्यादा सेचुरेट ना हो जाए इसलिए आपको 1 स्टॉप सेचुरेशन कम करना है, मतलब कि पिक्सल्स को थोड़ा सा बैलेंस करना, ट्राई करके देखना बहुत अच्छा है, यूज़फुल आए तो ठीक है नहीं तो कोई नहीं, बट मैं हमेशा यूज़ करता हूँ इसको, तो इस तरीके से करना है। जब भी दुल्हन गोरी है दुल्हन काला है तो ये सेटिंग जो है आपके लिए मोस्ट 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 यूज़फुल है, मैं इसको हमेशा सेव करके रखता हूँ और जैसे ही मैं कपल फोटोग्राफी करने जाता हूँ तब मैं न्यूट्रल पर रखता हूँ। अच्छा कपल के अलावा आप इसको फिर स्टैंडर्ड पे ले लो, जब भी आप अगर रेगुलर वही कस्टमर का वेडिंग है
ओवरऑल अगर इवेंट शूट कर रहे हो तो स्टैंडर्ड पे रखो, लेकिन जब कपल फोटोग्राफी कर रहे हो तो उस समय आप जो है इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, तो आपको फोटोग्राफी में मजा आएगा। उसके अलावा तीसरा ऑप्शन, निकॉन का सबसे प्यारा सेटिंग जिसको बोला जाता है विविड। अगर आप वाइब्रेंट कलर्स चाहते हो, बहुत अच्छे जो है आपकी इमेज जो है रिच चाहते हो, तो आप उसको हमेशा विविड पे रखिए। और बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग बहुत शानदार है और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो है इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो आप कुछ नहीं करना है तो विविड पे भी रख सकते हो। इसके अलावा मोनोक्रोम, मेरा मोस्ट फेवरेट है मोनोक्रोम। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जब भी फोटोग्राफी करने जाते हो तो एटलीस्ट आपके पूरे जो वेडिंग के पोर्ट्रेट सेशन में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 से 6 फोटो आपके पोर्ट्रेट जो है मोनोक्रोम यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट होने चाहिए। इससे आपको थोड़ा सा ब्यूटी मिलेगा। आपके साथ कई बार ऐसा होता होगा जब आप क्लाइंट के पास जाते हो तो जो बच्चे हैं जिनकी शादियाँ हो रही है वो एजुकेटेड है, वो बॉम्बे दिल्ली बैंगलोर या बड़े सिटी में रहते हैं, और वहाँ से जब वो लोग अपने गाँव या अपने छोटे टाउन में आते हैं शादी के लिए तो उनको कुछ अलग फ्लेवर चाहिए पोर्ट्रेट में खास करके। अगर क्लाइंट एजुकेटेड है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कम से कम 5 फोटोग्राफ्स जो है ब्लैक एंड व्हाइट में यानी कि मोनोक्रोम में शूट कीजिए, वो भी सिंगल लाइट में। मैं कल आपको इसके सैंपल्स दिखाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस किया है कि सर दो तरीके के क्लाइंट हैं, एक एजुकेटेड है एक नॉन एजुकेटेड है। एजुकेटेड है उसकी डिमांड अलग है, वो ये कहता है ज़्यादातर जो ब्राइड्स है या दुल्हन है वो बोलती है कि भैया जो भी फोटो निकालो मुझे पोज करने के लिए मत बोलो, मतलब कि नेचुरल शॉट बनाओ। हाँ या ना, अगर हाँ तो मैं फोटो कैसे क्लिक करूंगा अगर मैं पोज नहीं बताऊंगा तो। लेकिन फिर भी आपको उनके फोटो क्लिक करने हैं तो मैं कल आपको सारे पिक्चर्स दिखाऊंगा कि अगर आपको विदाउट पोजिंग करे कैसे पिक्चर्स क्लाइंट को पसंद आएंगे, जिसमें से जो है 4-5 जो है सिंगल लाइट यानी कि लाइट एंड शेडो के साथ मोनोक्रोम भी होंगे जो आपको सिलेक्शन में करना है, तो वो कल फोटो में आपको दिखाऊंगा। नंबर टू दूसरा क्लाइंट है, दूसरा क्लाइंट ऐसा है जो है ग्रामीण या जो है हम बोल सकते हैं मिडिल क्लास, जो लड़कियाँ आपको उल्टा बोलेंगी कि भैया मेरे को और पोज दिखाओ, नए नए पोज क्रिएट करो, पुराने वाले नहीं चलेंगे, नए पोज दिखाओ। तो उस समय आपकी चैलेंज और बढ़ जाती है कि आपको कौन से पोज दिखाना है पोर्ट्रेट सेशन के लिए, पोर्ट्रेट क्लिक करने के लिए। तो उसके लिए भी मेरा पूरा कलेक्शन है, मैं आपको 30-40 जो है इमेजेस वगैरह दिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो कुल मिला के ये सब चीज़ें होती है तब आपको ये सब चीज़ें बेनिफिट भी देती है। तो पूरा एक पोर्ट्रेट सेशन के ऊपर भी मैं एक लाइव करने वाला हूँ जो सबके लिए निकॉन कैनन सोनी सब लोग उसको देख पाएंगे कि एजुकेटेड क्लाइंट उसकी चॉइस क्या है और जो मिडिल क्लास जो है क्लाइंट उसकी चॉइस क्या है। तो दोनों की चॉइस के बाद फोटोग्राफी में क्या फ़र्क आता है, कैमरा सेटिंग्स अपनी जगह है लेकिन चॉइस अपनी जगह है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोनोक्रोम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इवन मैं कई सारी चीज़ें हैं जो मैं मोनोक्रोम में शूट करता हूँ, जैसे कि मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करता हूँ तो मैं मोनोक्रोम में शूट करता हूँ। अच्छा एक चीज़ और है, शायद कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि अगर आपने फोटोग्राफी किया है रॉ फाइल में तो पिक्चर प्रोफाइल मैटर नहीं करता है, जो आपका सेट पिक्चर कंट्रोल है वो मैटर नहीं करेगा, आप उसको बाद में भी एडजस्ट कर सकते हो। मतलब कि अगर आपने रॉ में शूट कर लिया तो घर जाने के बाद आप जो चाहो वो पिक्चर प्रोफाइल वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो या जो आपकी जेपीजी फाइल है उसमें सेट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, मोनोक्रोम उसके बाद पोर्ट्रेट। अब ये पोर्ट्रेट क्यों सर, स्टैंडर्ड इतना अच्छा है, विविड में इतने अच्छे कलर मिल रहे, तो फिर सर पोर्ट्रेट क्यों? तो कंपनी ने कहीं एक चीज़ होती है सोचा कि यार पोर्ट्रेट मतलब क्या, तो सब ज़्यादातर क्लोजअप शॉट्स, मतलब कि क्लोज मिड लॉन्ग या फुल लेंथ, बट किसी न किसी इंसान का पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड में सबके जो स्किन टोन है वो नियर टू येलो कलर है, मतलब कि हमारा येलो कलर बेस है। चाहे आप अफ्रीका में जाओ तो डार्क येलो मिलेंगे, या फॉरन यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे तो ब्राइट येलो मिलेगा, हमारे एशियन कंट्रीज में मिड टोन मिलेगा, लेकिन येलो हमारा बेस है। तो पोर्ट्रेट क्या करता है, येलो को जो है प्रायोरिटी देगा। इसका मतलब ये हुआ कि येलो टोन को ये परफेक्शन से कैप्चर करेगा। नंबर टू, शार्पनेस कम करेगा। मतलब क्या होगा कि अगर पिंपल्स है या फेस के ऊपर जो डॉट्स है उन सब चीज़ों को ये रिमूव कर देगा, मतलब हल्की सी शार्पनेस कम हो जाएगी। तो अगर आप डेडिकेटेडली पोर्ट्रेट शॉट्स बनाना चाहते हो तो पोर्ट्रेट करके वो ज़्यादा अच्छा है, हालांकि उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा बट फर्क पड़ता है। उसके बाद नंबर टू, अगर मैं पोर्ट्रेट ना करूं और मैं चाहता हूं कि मैं और एक में ऑप्शन आता है क्या हो गया, हाँ बैटरी आप बता दी दोस्तों, 2 मिनट के लिए रुक जाइए, मैं इसमें बैटरी चेंज कर लेता हूं और तब तक आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो।
यस दोस्तों, मैं चाहूँगा कि अब तक का सेशन आपको कैसा लगा। जो लोग क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहते हैं वो मुझे थम करके निशान दिखाएंगे, और जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है, विविड क्या है? सर ये पिक्चर प्रोफाइल है, जो कैप्चर आप इमेज जो कैप्चर कर रहे हो, तो सेंसर को सीधी भाषा में मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ कि स्टैंडर्ड, विविड, न्यूट्रल, ये पिक्चर प्रोफाइल है, मतलब कि कैमरा जो देख रहा है उसको वो कैप्चर कर रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसमें थोड़ा सा शार्पनेस बढ़ जाए, तो क्या वो जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको थोड़ा सा शार्पनेस बढ़ा देगा। अगर आप चाहते हो कि उसमें सैचुरेशन, मतलब कि कलर्स थोड़े बढ़ जाए, तो वो बढ़ा के देगा। अगर आप चाहते हो कि उसमें कलर्स ना हो, मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट हो या मोनोक्रोम हो, तो वो परमिट करता है। कुल मिला के कैमरा जो है वो सॉफ्टवेयर की मदद से ये सब चीज़ें करके आपको आउटपुट देता है, ताकि आप जो चाहो, मन चाहा जो आप जो है रिजल्ट उसमें पा सकते हो। चलिए सर, ये वीडियो रहेगा सर, आप इसको फिर से देखना, पूरा वीडियो यूट्यूब पर रहेगा, 24 घंटे एक दिन के लिए रहेगा, आप उसको डाउनलोड पूरा देख सकते हो प्रॉपर वे से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, रॉ प्लस जेपीजी में ये सेटिंग इंपॉर्टेंट है क्या? देखो, आपने रॉ प्लस जेपीजी रखा है, तो जेपीजी फाइल जो सेव होगी वो आपके जो करंट सेटिंग है उसमें वो एक्टिव हो जाएगी। रॉ के अंदर तो आप बाद में बदल सकते हो। ध्यान से दोनों चीज़ों को ध्यान से समझना कि अगर जेपीजी है, फॉर एग्जांपल मैंने रॉ प्लस जेपीजी कर दिया और करंट सेटिंग मैंने रख दिया है स्टैंडर्ड पे, तो मेरी जेपीजी इमेज जो है वो स्टैंडर्ड पे कैप्चर होगी। हालांकि रॉ वाली भी कैप्चर तो स्टैंडर्ड पे होगी, लेकिन बाद में मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। तो ये आप इसका बड़ा जो है बेनिफिट आप ले सकते हो। यस ऑफ कोर्स, जेपीजी में है, रॉ में नहीं है। कैमरा को फ्रेमिंग फर्म अपडेट करने के लिए कैमरा कितना? सर कैमरे को फर्मवेयर अपडेट करना ही चाहिए, जिससे कि क्या है कि जो कंपनी अपने और से बहुत सारे एफर्ट्स डालती है, बहुत बहुत चीज़ें नई नई इसमें ऐड करती रहती है, जिससे आपके कैमरे में स्मूथनेस ज़्यादा हो और उसको परफॉर्मेंस अच्छा मिले, तो आपको करना चाहिए। कई बार उसके बहुत बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं। यस सर, रॉ प्लस जेपीजी में है, तो जेपीजी के लिए पिक्चर स्टाइल इंपॉर्टेंट है, बट रॉ के लिए नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई अच्छा क्वेश्चन? एक क्वेश्चन आया है कि सर ब्राइडल फोटोग्राफी के लिए सेटिंग्स बताइए। तो भैया, ब्राइडल फोटोग्राफी के लिए बहुत सारे सेटिंग्स हो सकते हैं कि ब्राइडल आप कहां पे शूट कर रहे हो, नंबर वन आउटडोर है या इंडोर है, नंबर वन। नंबर टू, आप जो है उसमें एडिशनल फ्लैश लाइट यूज कर रहे हो, स्टूडियो लाइट यूज कर रहे हो, या पोर्टा लाइट विद अम्ब्रेला यूज कर रहे हो, मतलब क्या आपका मॉडिफायर लाइट सोर्स क्या है, उसके हिसाब से भी उसके सेटिंग चेंज हो जाएंगे। लेकिन मैं एक डेडिकेटेडली पोर्ट्रेट के ऊपर एक मैं सेशन बनाऊंगा, और आप लोगों को उसको ज्वाइन कीजिए, उसमें मैं आपको सारे सिचुएशंस जो मैं उसमें सिखाऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सिर्फ कैंडल लाइट पर फोटोग्राफी करना है, सिंगल कैंडल पर, तो कैसे करना है, उसके कुछ सेटिंग्स अलग होंगे। फिर फॉर एग्जांपल, कि मुझे सिर्फ पोर्टा लाइट या वीडियो लाइट पर अम्ब्रेला के साथ काम करना है, तो कैसे सेटिंग करना है। मुझे स्टूडियो यूनिट के साथ काम करना है, तो कैसे सेटिंग्स रखने हैं। और इसके बाद अगर मैं आउटडोर में हूँ, तो कैसे काम करना है। और उसके अलावा अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट। तो एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट के आपने देखा होगा कि आजकल खासकर इंस्टाग्राम और उसमें देखा जाता है कि पीछे बड़ा सा जो वेडिंग का वेन्यू है, डेकोरेशन है या लोकेशन है या फिर होटल है, और कपल को उसके आगे खड़ा किया जाता है, और वहीं पर छोटा सा एक लाइट जो है, हम जिसको बोलते हैं अपना रिमोट फ्लैश या जो है स्ट्रोबो लाइट, वो यूज़ करके बैकग्राउंड और आगे दोनों को प्रॉपरली एक इमेज में कैप्चर करना, वो भी पोर्ट्रेट का पार्ट है। तो वो सारे सेटिंग्स कैसे, वो हम लोग शायद दो चार दिन में या नेक्स्ट मंडे को हम लोग देखेंगे, जैसे मुझे वक्त मिलता है उसके ऊपर मैं प्रॉपरली सारे पोर्ट्रेट के ऊपर एक सेशन बनाता हूँ। यस, मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। सरप्राइज तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। व्हाइट बैलेंस मैन्युअली कैसे सेट करें? तो व्हाइट बैलेंस का पूरा एक सेशन होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कस्टम व्हाइट बैलेंस यानी कि प्री बैलेंस कैसे करना है, वो मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखा के शूट करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। निकॉन G6 का शटर स्पीड 200 से ऊपर क्यों नहीं जाता? सर आपको हाई स्पीड सिंक, मतलब ऑटो FP ऑन करना है, वो जाएगा, डोंट वरी। इसमें एक सेटिंग आएगा, इसमें भी वो सेटिंग आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, उसके अलावा
ब्राइड के पोजिंग में भी टिप्स दीजिए, ठीक है मैं कैटलॉग बना के आपको पीडीएफ जो है सेंड कर दूंगा, 1000 पोजेस ऑफ ब्राइड, मतलब कि 1000 ब्राइड के पिक्चर्स मेरे पास पीडीएफ मैंने बना के रखा है, मतलब आप थक जाओगे उतने फोटो मेरे पास है, तो हो सकता है कि मैं आपको शेयर करूँ जब जितना हो सकता है उतना जल्दी। सर कैमरे को अपडेट कैसे करें वो मैं फर्मवेयर अपडेट करके दिखाऊंगा सर, डोंट वरी। फिलहाल सिर्फ इसके बारे में पूछिए, जैसे हम लोग G6 और G7 के बारे में आएंगे उस समय उसके अंदर डिटेल में जाएंगे, डोंट वरी दोस्तों, मैं सारी चीज़ें आपको निकॉन कैनन सोनी फ्यूजी सारे कैमरे के बारे में बताऊंगा, और विद अब मैं नेक्स्ट टाइम में ये प्लान कर रहा हूँ कि आपको सारे के सारे विद इमेजेस दिखाऊँ, फोटोग्राफ्स के सारे साथ दिखाऊँ, तो यही होगा। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है दीपक वाघेला 100, अगर आप चाहते हो तो उसको फॉलो कीजिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कमेंट में ताकि आपको आसान हो जाए। मैं देखता हूँ आज कितने लोग जो है मेरी इंस्टा प्रोफाइल को फॉलो करते हैं, दीपक वाघेला 100 मेरे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, उस पर मैं मेरे जितने भी कई मेरे शूट होते हैं उसका मैं लाइव उस पर करता हूँ, यूट्यूब पर ज़्यादा बहुत कम करता हूँ, तो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर आ जाइए, और ये मेरी मैंने मैसेज भी छोड़ दिया दीपक वाघेला 100 मेरे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, उसको आप फॉलो कीजिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी सीखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सेट पिक्चर कंट्रोल, उसके बाद जैसे हम लोग ने पोर्ट्रेट देखा उसके बाद आता है लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब होता है कि आपको लैंडस्केप की फोटोग्राफी करनी है, लैंडस्केप की फोटोग्राफी नॉट ओनली फॉर लैंडस्केप फोटोग्राफर बट एज अ प्री वेडिंग फोटोग्राफी हम लोग जब करने जाते हैं तो उस समय भी हम लोग बहुत सारा लैंडस्केपिंग शूट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं गोवा के दरिया किनारे पे जा रहा हूँ और शॉट बना रहा हूँ, लड़का लड़की कपल जो है समंदर किनारे भाग रहे, और वाइड एंगल अगर मैं शॉट बना रहा हूँ तो अगेन वो लैंडस्केप शॉट हो गया, जंगल में पहाड़ पे, तो ये सारे जो शॉट्स बनते हैं वो लैंडस्केपिंग मतलब कि वाइड एंगल में शॉट बनते हैं। अगर मैं इसको लैंडस्केप पे रखता हूँ तो क्या फ़ायदा होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं पोर्ट्रेट मोड सिलेक्ट करता हूँ तो कैमरा जो है येलो कलर को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, तो सेम यहाँ पर अगर मैं लैंडस्केप रखता हूँ तो कंपनी ने बाय डिफॉल्ट ग्रीन कलर और ब्लू कलर ये जो कलर्स है सेंसर इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा कैमरे का जो सेंसर है वो ब्लू कलर को अच्छे से प्रायोरिटी से कैप्चर करेगा और ग्रीन कलर को। अब ज़्यादातर लैंडस्केप में क्या होता है, स्काई समंदर या फिर पर्वत या फिर जंगल लैंडस्केप में यही होता है, तो ग्रीन एंड ब्लू बेस कलर हो जाता है। मैं जब प्री वेडिंग शूट करना चाहता हूँ, और आपके साथ हमेशा ये होता होगा, आपने देखा होगा कि आप जब वाइड एंगल शॉट बनाते हो तो स्काई जो है ब्लू नहीं मिलता है, ग्रे कलर में मिलता है, उस समय आपको क्या करना है, जब आपको स्काई ब्लू चाहिए तो आपको पिक्चर स्टाइल जो है आपका वो लैंडस्केप पर रखना चाहिए नंबर वन, और डे लाइट में शूट करने के बावजूद आपको आपका जो कैल्विन है वाइड बैलेंस है वो 4500 रखना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि आपका जो स्काई है वो बहुत अच्छे से ब्लू कलर में मिलेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, बहुत कम लोग दिखाते हैं लेकिन ये जानना जरूरी है, लैंडस्केप प्लस आपको 4500 केल्विन। हल्का सा स्किन पे आपको ब्लू टोन मिलेगा वो उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आपका जो इमेज वो काफ़ी वाइड रहता है, कंपोजिशन जो है बहुत वाइड होता है और आपका सब्जेक्ट बहुत छोटा रहता है, तो फेस पे ज़्यादातर अगर थोड़ा सा ब्लू टोन आएगा तो दिखेगा नहीं, बट आपकी इमेज जो है प्योर ब्लू स्काई में मिलेगी, बहुत शानदार दिखती है। उसके बाद फ्लैट फ्लैट पिक्चर प्रोफाइल मतलब कि 0-0-0 वैल्यू जो है कैमरा जो देख रहा है उसी को वो कैप्चर कर रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैनेज पिक्चर कंट्रोल, समझ लो ये तो है कंपनी ने दिए, लेकिन आप चाहते हो कि आपका कुछ और अपना खुद का सेटिंग हो, इसी प्रोफाइल से कुछ अलग निकाल के आपको बनाना है, तो आप मैनेज में जाके फिर से सेव एडिट में जाके जो कोई एक बेस सिलेक्ट कर लो, और उस बेस को सिलेक्ट करने के बाद आपको साथ में कॉन्ट्रास्ट जो भी कुछ भी चेंज करना है उसको सेव करके फिर आप बना सकते हो, और आपको दिखेगा कहाँ, यहाँ पर जैसे आप इससे के नीचे जाओगे तो यूजर्स वन यूजर्स टू लिखा हुआ आ जाएगा, तो वहां से आप उसको कर सकते हो। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कलर स्पेस, कलर स्पेस मतलब इसमें दो ऑप्शन है sRGB और Adobe RGB। अब स्टैंडर्ड अगर आपको वेडिंग शूट करना है इवेंट शूट करना है तो sRGB इज वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप कमर्शियल काम कर रहे हो मतलब कि आपको एडवर्टाइज शूट करना है बड़ा ज़्यादा जो है कवर करना है, फंडामेंटली आपको बताओ तो कलर गैमेट होता है मतलब कि कितने कलर्स कैमरा कैप्चर कर रहा है, तो वो कलर गैमेट कैप्चर करने के लिए दो ऑप्शन सिलेक्ट किए जाते हैं। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैप्चर करना है ज़्यादा कलर्स के ज़्यादा मतलब के नंबर ऑफ कलर्स इन डिटेल कलर्स को ज़्यादा कैप्चर करना है तब आपको Adobe RGB सिलेक्ट करना चाहिए। सर आप ये बताओ कि आप दोनों चीज़ बता रहे हो तो दोनों में फ़र्क कितना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर sRGB रख दिया तो क्या होगा, Adobe RGB रख दिया तो क्या होगा,
बहुत बड़ा फ़र्क है। sRGB अगर आप रखते हो और उसके बजाय अगर आप एडोब RGB रखते हो तो 5 times ज़्यादा वो कलर इन्फॉर्मेशन कैप्चर करता है। एडोब RGB इज़ फार 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 बेटर। अगर आपको कमर्शियल काम है, अब आप एडवर्टाइज शूट कर रहे हो, अगर आप होर्डिंग्स बनाना है, आपको कलर से खेलना है पोस्ट प्रोसेस में, तो एडोब RGB सिलेक्ट कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि sRGB गलत है। वेडिंग इंडस्ट्री में हम लोग ज़्यादातर sRGB ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमारे रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि एडवर्टाइज इंडस्ट्री या ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में जिसको बोल सकते हैं वो लोग एडोब RGB यूज़ करते हैं। हालांकि आप दोनों ही यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पोस्ट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को चेंज करना है या काम करना है उसके ऊपर, तब आप एडोब सिलेक्ट कीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। खास करके जो ई कॉमर्स के काम कर रहे हैं उनके लिए भी एडोब RGB फार बेटर। फाइल साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बट आपको डिटेल में इन डेप्थ आप जो है कलर के साथ काम कर सकते हो। चलिए उसके बाद एक्टिव डेलाइट ऑफ, इसको रखना है आपको ऑन, या इसको सीधा बोलो तो निकॉन में इसका बहुत बड़ा फायदा है कि इसके अंदर ऑटो का ऑप्शन है। आप बोलोगे सर ये एक्टिव डेलाइट क्या है? एक्टिव डेलाइट मतलब सरल भाषा में बताऊं तो एक्टिव डेलाइट क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप देख पा रहे हो तो लाइट सोर्स यहां पर है, तो यहां पर शेडो क्रिएट हो रहा है, दिख रहा है हल्का सा। अब ये जो शेडो है यहां पर तो लाइट सॉफ्ट है इसलिए शेडो भी सॉफ्ट है, लेकिन डे लाइट में आप जाते हो तो शेडो जो शार्प हो जाता है, मतलब कि हार्ड शेडो हो जाता है। अब एक्टिव डेलाइट क्या करेगा, जो शेडो है मतलब कि जो परछाई है उसका कॉन्ट्रास्ट कम करेगा, मतलब कि ये एरिया जहां पर शेडो आ रहा है वो हल्का सा ब्राइट हो जाएगा। ध्यान से समझना, जहां पर भी शेडो है परछाई है उसका कॉन्ट्रास्ट कम करने से वो इमेज जो है आपको खुल के दिखेगी। अब अगर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड लाइट है तो आप एक्स्ट्रा हाई रख सकते हो, हार्ड लाइट है तो हाई रख सकते हो, नॉर्मल शेडो है तो नॉर्मल रख सकते हो, शेडो कम करने के लिए सरल भाषा में। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कौन हर बार चेंज करे तो इसको आप ऑटो पे रख लो तो कैमरा अपने आप इसको जो है चेंज कर लेगा। कैनन में इसको बोला जाता है ऑटो लाइट ऑप्टिमाइजर, इसमें इसका नाम अलग है उसमें उसका नाम अलग है, तो दोनों में एक काम एक ही होता है लेकिन नाम अलग अलग है। लेकिन निकॉन में एक अच्छा ऑप्शन है कि इसमें ऑटो दिया गया है जबकि दूसरी ब्रांच में इसको आपको अलग तरीके से मैन्युअली सिलेक्ट सेट करना पड़ता है। चलिए उसके बाद है HDR हाई डायनेमिक रेंज। ये ज़्यादातर वेडिंग इंडस्ट्री में बहुत कम यूजफुल है, ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते, बट फंडामेंटली ये है क्या मैं बता दूँ आपको कि जैसे आप इसको ऑन करते हो तो 3 ऑप्शन खुल जाते हैं, एक सीरीज, 1 photo और ऑफ। 1 photo का मतलब कि मैं एक ही बार मैं चाहता हूँ कि HDR शॉट हो, सीरीज का मतलब कि बार बार मैं HDR फोटो क्लिक करूँ। अभी HDR फोटो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वाइड एंगल शॉट बनाया और मैं जब उसको क्लिक कर रहा हूँ तो वो 3 photo कैप्चर करेगा, एक ओवर एक्सपोज, एक मिड एक्सपोज और एक अंडर एक्सपोज, और तीनों को मिला के वो इन कैमरा प्रोसेस करके मुझे एक फाइनल इमेज दे देगा। ये इसका फायदा है। कई बार हम लोग डेकोरेशन के फोटो इस तरह से क्लिक करते हैं, डेकोरेशन बोले तो किस तरह से, कई बार जब हम लोग जाते हैं संगीत संध्या में, महिला संगीत में, या हमारे गुजरात में एक ट्रेडिशन है रिसेप्शन का, तो करीबन हमारा वहाँ पहुँचने का टाइम होता है 6:30 बजे के आसपास, 5 से 6 बजे, इवेंट शुरू होना था 8 बजे। अब उस समय क्या होता है, ऑलरेडी सनसेट हो चुका होता है और लाइट चालू हो जाती है, लेकिन डे लाइट भी है और ये भी है, तो ये होता है मिक्स लाइट होती है, और उस समय हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड का लाइट भी कैप्चर हो, स्टेज का लाइट भी कैप्चर हो, तो उस समय जो है HDR मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, तो उस समय मैं HDR यूज़ करता हूँ और 3 photo क्लिक करके फाइनल फोटो मुझे मिल जाती है। बट वो तीन क्लिक करेगा, जब आप आपको क्लिक एक बार करना है वो फोटो 3 क्लिक करेगा और फाइनली आपको एक फोटो इमेज देगा। कई सारे कैमराज ऐसा है जिसमें आपको चारों इमेज, मतलब कि 3 basic, 1 under, over, equal और 14 फाइनल इमेज, मतलब 4 photo सेव करके होंगे। कुछ कैमराज में वो सिंगल, मतलब कि मास्टर फोटो ही सेव करके दिखाता है, तो दोनों तरीके से हो सकता है। ये रेगुलर में यूज़ नहीं करना है, पोर्ट्रेट में इसको यूज़ नहीं करना है, नहीं तो पोर्ट्रेट में वो ओवर बर्न या ओवर आपको जो स्किन रिच कलर्स ज़्यादा मिलेंगे, तो इसको आपको समय यूज़ नहीं करना है। इसके बाद है विग्नेटिंग। विग्नेटिंग का मतलब होता है कि कॉर्नर्स पर डार्क, मतलब के डार्क हो जाना, तो विग्नेटिंग का आप इसको ऑन रखने से वो कंट्रोल करेगा। चलिए इसको हाई, नॉर्मल या जो भी रखना चाहो आप रख सकते हो। इसके बाद है डिस्टोर्शन कंट्रोल, ऑटो डिस्टोर्शन कंट्रोल, इसको ऑन कर रखना है, इसको ऑफ नहीं रखना है। डिस्टोर्शन का मतलब होता है कि हमारा पीलो कैसा होता है, पीलो अगर आप नज़दीक जाकर शॉट बनाएंगे तो पीलो जैसा आपको शेप मिलेगा, वो डिस्टोर्शन को कंट्रोल करेगा, मतलब कि सॉफ्टवेयर जो इसको कम करेगा।
वो डिपेंड खास करके ये होता है वाइड एंगल लेंस में, जब वाइड एंगल लेंस यूज़ करते हो तब ये पिलो जिस आपको जो है इफेक्ट देता है उसको ये कम करेगा। उसके बाद है लॉन्ग एक्सपोजर एंड आर मतलब के नॉइस रिडक्शन, इसको भी आपको ऑन रखना है। अब जब इसको लॉन्ग एक्सपोजर नॉइस रिडक्शन ऑन रखते हो तो ये एक्टिव हो जाएगा, लेकिन ये कब एक्टिव होगा, अगर आपका शॉट एक सेकंड से ज़्यादा लंबा है तो, लॉन्ग एक्सपोजर मतलब कि एक सेकंड से ज़्यादा आपकी शटर स्पीड है 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड या 20 सेकंड, तब ये एक्टिव हो जाएगा और उसमें जो ब्राइट पिक्सल्स है उसको ये रिड्यूस करेगा ताकि आपकी इमेज में जो नॉइस है वो ना आए। उसके बाद है हाई ISO नॉइज रिडक्शन, मतलब कि आपका जो ISO है वो करीबन समझ लो 1500-1600 है, उससे अगर ऊपर जाता है तो उसको आप जो है कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से जो सॉफ्टवेयर है उसको कम करेगा। चलिए आपको किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे मेरे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चन है। चलो पीपुड़ी वगैरह से पीपुड़ी ना बैटरी कितना अच्छी है, अच्छा बैटरी से कुछ हम लोग मेरे साथी जो है वो थोड़े से डर रहे रिगार्डिंग बैटरी, अगर बैटरी खत्म हो गया तो क्या, क्योंकि दो बैटरी था एक खत्म हो चुका है। एक्चुअली मैं गलती मेरी है, मैंने कल शूट किया और मैंने उसको रिचार्ज नहीं किया है। ओके मेरे कैमरे में HDR ओपन नहीं हो रहा है। देखो अगर आपके कैमरे में HDR ओपन नहीं हो रहा है दैट मीन्स कि आपका फाइल फॉर्मेट जो है रॉ प्लस JPG होगा, इसलिए वो ऑन नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। ऑटो डिस्टोर्शन फिर से समझाओ। देखो डिस्टोर्शन का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक सरल भाषा में बताऊँ। कई बार आपने देखा होगा कि आप वाइड एंगल शॉट बनाते हो, जैसे कि ग्रुप फोटोग्राफी कर रहे हो, तो आपने देखा है कभी कभी जो कॉर्नर में जो लोग खड़े होते हैं उनका फेस खींचा हुआ दिखता है, वो डिस्टोर्शन है। वो डिस्टोर्शन अगर ऑन रखते हो तो थोड़ा सा कंट्रोल होगा, लेकिन उसका एक और रास्ता है, आप क्या करो थोड़ा सा दूर जाओ, मतलब कि पूरा 24mm पे शॉट मत निकालो, थोड़ा सा जूम करके 28mm पे कंपोज करो, शूट करो। अब ये कब करना है, कई सारे फोटोग्राफरों को पता ही नहीं है कि सब चीज़ें कब यूज़ करनी है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप जब भी कोई रिसेप्शन पे जाते हो, स्टेज पे जाते हो या अपना महिला संगीत के स्टेज पे, तो डेकोरेटर या जो आपका टेंट वाला पूछता है कि फोटोग्राफर भैया आपको स्टेज कहाँ लगाना है, आपको क्या करना है, आपके लेंस के ऊपर 50mm पे रखना है और फिर दूर जाना है, जितना दूर जा सकते हो, और 50mm में जब आपका पूरा स्टेज दिखता है उतना आपको डिस्टेंस पे अपना वीडियो और फोटोग्राफर को स्टैंडिंग होने का स्टेज बनाना है, तब जाके आपके कोई इमेज में कभी कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगा कोई भी लेंस में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, टेक्निकली है बट ये ज़रूरी है आपको, आप ध्यान रखना हमेशा, ये सब चीज़ें छोटी छोटी होती लेकिन आपकी जो इमेज क्वालिटी है बहुत शानदार बन जाएगी। चलिए सर, बिना ट्रिगर फ्लैश कमांड यूज़ कैसे करें? ओके, फ्लैश का जब आप सेटिंग आएगा तो अगर आपके पास निकॉन का ओरिजिनल फ्लैश जैसे कि 800 नंबर, 900 नंबर, 910 नंबर, तो उन सब फ्लैशों को आप कमांडर मोड में अपने ही कैमरे से शूट कर सकते हो विदाउट आपके ट्रिगर। निकॉन में फैसिलिटी है तो आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, हालांकि और भी ब्रांड्स में बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। ओके, और एक क्वेश्चन आता है नील पाटिल का, सर फोटो क्लिक करते समय लेंस अंदर से हल्की सी हिलती है और लेंस पर फंगस भी आया है। सर डोंट वरी, अगर छोटा मोटा फंगस है कुछ मत करवाओ, आपको कोई डैमेज नहीं करेगा, हल्का सा थोड़ा सा सॉफ्टनेस आएगा, डोंट वरी। लेकिन अगर लेंस खुल गया तो आपकी जो पहले की जो शार्पनेस थी, जो पहले की ब्यूटी थी या फोकस की जो स्पीड थी वो नहीं मिलेगी। ज़्यादा प्रॉब्लम है, फिजिकल डैमेज है तो ही मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप किसी कंपनी में जाओ और अच्छी जगह आपके सर्विस स्टेशन में उसको सर्विस कराओ। लेकिन अगर हल्का सा ये फंगस आता है तो कोई ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर फ्रंट अलाइनमेंट पर है तो आप इजीली करवा सकते हो, लेकिन अगर मिड अलाइनमेंट पर मतलब कि लेंस के अंदर बीच में किसी ग्लास के ऊपर तो लेंस ओपन मत करवाओ, ये मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूँ। हल्का सा सॉफ्ट मिलेगा वो चलेगा, लेकिन लेंस डैमेज होगा वो नहीं चलेगा। सिग्मा 85mm लेंस अच्छा है सर? बहुत बढ़िया है सर, 8 सीरीज का लेंस आप ले सकते हो, मेरे लिए मोस्ट मेरा फेवरेट लेंस भी है। लॉन्ग एक्सपोजर NR का मतलब क्या है? सर अभी जस्ट मैंने बताया, लॉन्ग एक्सपोजर मतलब कि अगर आपका जो एक्सपोजर टाइम है शटर स्पीड 1 सेकंड से ज़्यादा है तो वो लॉन्ग एक्सपोजर में गिना जाता है। और NR का मतलब होता है नॉइस रिडक्शन, मतलब कि जब शटर स्पीड लॉन्ग है और जो लाइट को कैप्चर कर रहा है उसमें जो नॉइस आ रहा है उसको वो रिड्यूस करेगा। चलिए, ISO सेंसिटिविटी सर आएगा अभी इसके बाद के सेटिंग्स वही है। आगे कुछ क्वेश्चन शायद छूट के उसको देखते हैं।
सर ग्रुप फोटो में कॉर्नर के पर्सन का फेस वाइड हो जाता है, मैंने अभी बताया आपको, थोड़ा सा दूर जाके जूम इन करके क्लिक करना है, पूरा वाइड करके क्लिक नहीं करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए। सर अभी मैंने जो सेटिंग्स बताया नॉट ओनली फॉर D750, यही सेटिंग्स आपके अगर 7200 कैमरा है या G6 है G7 है, 99% दुनिया का कोई भी कैमरा है उसका काम एक जैसा ही होता है, चाहे वो दूसरी ब्रांड जैसे कैनन हो गया, फ्यूजी हो गया, सोनी हो गया, तो उसमें भी परफॉर्मेंस तो ऐसा ही होगा, तो आप उसमें भी यही सारी चीज़ें जो है आपको काम में आएगी। ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास सिर्फ कैनन का या सॉरी निकॉन का कैमरा है तो ही आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। रंजीत कहते हैं की लाइट, फील्ड लाइट एंड बैकग्राउंड लाइट कौन सी लेनी चाहिए, क्या आइडिया है? सर लाइटिंग के बारे में हम लोग पूरा सेशन फिर बाद में करेंगे, जिसमें आप जो है हम लोग 1 पॉइंट लाइट, 2 पॉइंट लाइट, 3 पॉइंट लाइट या 5 पॉइंट लाइटिंग तक जाएंगे और हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन इट विल टेक टाइम। ओके, विच इज़ द बेस्ट कैमरा फॉर वेडिंग फोटोग्राफी, 750 या G6? सर दोनों ही कैमरे अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सिनेमेटिक में जाना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा मिररलेस में जाइए, बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे कि आपके पास 750 जो है वो फॉलो फोकस वीडियो में नहीं करेगा, फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन कैमरा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट वीडियो के लिए अगर आपको जाना है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा G6 पे जाइए। ओके, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी सर, बट कैमरा HDR ओपन नहीं हो रहा है। ओके, शायद आपका रॉ ऑन होगा, इसलिए कुछ सेटिंग्स ऑन होने पर कभी कभी ऐसा होता है, आपने मल्टीपल एक्सपोजर ऑन कर दिया तब भी HDR ऑन नहीं होगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है आपने अगर रॉ प्लस JPG कर दिया, क्योंकि कुछ कैमरा जो रॉ में है HDR नहीं करते, कुछ कैमरा जो रॉ में मल्टीपल एक्सपोजर नहीं करते। बहुत सारे क्वेश्चंस दोस्तों, आज जो टाइम हुआ है अभी 4:15, मेरे ख्याल से आपके पास 10-15 और क्वेश्चंस पूछिए, आज हम लोग यहाँ पर रुकते हैं और कल यहीं से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज का मैं देख लेता हूँ, अगर कुछ छूट नहीं गया ना तो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आज का जो सेटिंग है 3-4 बाकी है उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर आज का जो क्वेश्चन आंसर चलाएंगे और बाकी के जो सेटिंग्स हैं जैसे कि वीडियो सेटिंग से लेके जो पेंसिल के अंदर आएंगे सारे सेटिंग्स, ये हम लोग जो है कल देखेंगे, फिलहाल के लिए आज का यहाँ का जो सेटिंग है इसको पहले हम लोग खत्म करते हैं। ओके, ISO सेंसिटिविटी, तो ISO सेंसिटिविटी, अब आप बोलोगे सर ISO तो ISO होता है सबको पता है, लेकिन यहाँ पर चेंज है, ध्यान से देखना क्या है, अंदर जाते हैं तो पहला है ISO सेंसिटिविटी, अभी लिखा है 2000, मतलब 2000 ISO अभी लगा है, लेकिन अगर मैं इसको ऑटो पे रख दूँ तो अगर मैंने इसको ऑन कर दिया तो ऑटो ISO ऑन हो गया, ये अभी मैंने सिलेक्शन किया एक्टिव नहीं हुआ है, सिलेक्शन किया है एक्टिव नहीं हुआ है, एक्टिव कहां से होगा, जब यहां से मैं इसको ऑटो पे ले लूंगा तब उस समय ये जो है ऑटो पे एक्टिव हो जाएगा। फायदा क्या है, जब मैं कैंडिडेट फोटोग्राफी करता हूं उस समय मैं इस ऑप्शन को ऑन रखता हूं, इससे मुझे क्या फायदा होता है कि लाइट का वेरिएशन चाहे कितना भी हो, फॉर एग्जांपल आप जब शादी में शूट करने जाते हो तो आपने देखा होगा जहां पर मंडप है, मतलब कि दूल्हा दुल्हन आज जहां पर बैठे हैं पंडित जी, शादी यहां हो रहा है, वहां पर हम लोग जो है 2-3 वीडियो लाइट लगा देते हैं और अच्छा सा माहौल बनता है, हम फोटोग्राफी करते बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं जहां पर समझ लो उसके रिलेटिव्स बैठे हैं, गेस्ट लोग बैठे हैं, और मैं देखता हूं कि दुल्हन का भाई जो है मस्ती कर रहा है, दूल्हे का भाई जो है कुछ खा रहा है, उसके ससुर कुछ अच्छे से अच्छी मोमेंट मिल रही है, जब मैं कैमरा वहां पर घुमाता हूं ऐसे कैंडिड फोटोग्राफर, तब दिक्कत ये होती है कि वहां पर लाइट कम होती है, मतलब कि रोशनी कम होती है, और उस चक्कर में गड़बड़ी हो जाती है, एक्सपोजर मेंटेन नहीं होता है, सही बात है, उस समय आपको ISO ऑटो रखना है, तो आपका काम आसान हो जाएगा और आपको परफेक्ट एक्सपोजर मिलेगा, तो यहाँ उस समय आपको काम करेगा। लेकिन आप बोलोगे सर अगर मैंने ISO ऑटो कर दिया और कम रोशनी होगी तो ISO तो बहुत ऊपर चला जाएगा, 10,000 तक जा सकता है, लेकिन आप चाहो तो यहाँ से उसको कंट्रोल कर सकते हो, आपको क्या करना है यहाँ से जाके, फॉर एग्जांपल कि आपको लगता है कि आपका कैमरा जो है 2500 ISO तक वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, उससे ऊपर अगर हम जाते तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये उसके आगे फिर नॉइस आ रहा है, तो आप 3200 को मैक्सिमम कर दीजिए, इससे फायदा ये होगा कि 3200 से ऊपर वो कभी जाएगा ही नहीं, तो जो कैंडिडेट फोटोग्राफर से उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है आपको ये जो है इसको ISO को ऑटो रखना है और मैक्सिमम लिमिट जो है 3200 कर देनी। दूसरी एक बात, कई लोग जो है एपर्चर प्रायोरिटी पे काम करते हैं, मतलब कि एपर्चर वैल्यू पे काम करते हैं, उस समय शटर स्पीड का इश्यू आ सकता है, तो आप यहां से मिनिमम जो शटर स्पीड है उसको आप जो है यहां से 200 या 250 या इस तरह से सेट कर सकते हो, तो इससे क्या होगा कि आपकी शटर स्पीड भी मेंटेन रहेगी, बहुत ज़्यादा लो नहीं होगी, तो आप ये भी कर सकते हो।
खास करके ये कैंडिड फोटोग्राफर उसके लिए है। रिमोट कंट्रोल से अगर आपको फोटो क्लिक करना है दूर से तो ये उसके लिए सेटिंग है। मल्टीपल एक्सपोजर का मतलब होता है कि मैं डबल रोल में क्लिक करना चाहता हूँ, ट्रिपल रोल में क्लिक करना चाहता हूँ, तो इस सेटिंग के माध्यम से जो है मैं ये कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, तो पहले इसके अंदर जाना है मुझे, और जैसे पहले इसको मुझे ऑन करना है। ऑन करने से पहले मुझे दो ऑप्शन पूछ रहा है, सिंगल शॉट मतलब कि एक बार मल्टीपल एक्सपोजर क्लिक करना है, या सीरीज मतलब कि बार बार करना है। ये दो तरीके से मुझे पूछ रहा है, तो मैं फिलहाल बोल रहा हूँ सिंगल शॉट मतलब कि एक बार। नंबर ऑफ शॉट्स, अब एक क्लिक करना है लेकिन एक में कितने क्लिक करने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कि ये मैंने यहाँ पर ये जो पानी का बॉटल है इसके मैं आपको मल्टीपल एक्सपोजर में दो में शॉट क्लिक करके दिखाता हूँ। सॉरी क्लिक हो गया गलती से, इसका जो क्लिकिंग है बहुत फोकस जो बहुत पावरफुल है। मल्टीपल एक्सपोजर मैंने यहाँ से ऑन कर दिया, नंबर ऑफ शॉट्स रेडी, ऑटो फोकस रेडी है, इसको मैंने जूम कर दिया। अब मैं हाफ फ्रेम जो है ब्लैक कर रहा हूँ और दूसरी ओर से इसको फोकस कर रहा हूँ और हाफ फ्रेम यहाँ से भी। अब देखो ये जो फोटो मैंने क्लिक कर दिया, अब देखो डबल रोल हो गया विदाउट फोटोशॉप विदाउट एडिटिंग। मैंने फोटो को जो है डबल रोल में क्लिक किया, मतलब कि एक ही दुल्हन को मैं दो रोल में कैप्चर कर सकता हूँ। जो पुराने फोटोग्राफर्स होंगे उनको पता होगा कि हम लोग जो है FM2 और FM10 में फैसिलिटी आती थी, एक बटन को दबा के आप नेगेटिव का जो प्लेसमेंट है उसको वहीं रखना होता था, फिल्म को जो वहीं रखोगे तो आप डबल रोल में कैप्चर कर सकते हो। तो ये मल्टीपल एक्सपोजर का बेनिफिट है। ऐसे बहुत सारे और भी सेटिंग्स है, शायद कभी वक्त मिला तो मैं आपको और दिखाऊंगा कि मल्टीपल एक्सपोजर में और क्या क्या हो सकता है। शायद मैं कल आपको जब प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा तो पोर्ट्रेट्स में मल्टीपल एक्सपोजर के कुछ क्रिएटिव शॉट्स दिखाऊंगा, बहुत अच्छा ऑप्शन है। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए हालांकि, बट अच्छा है। फिलहाल इसको ऑफ कर देते हैं। इसके बाद है इंटरवल टाइमर शूटिंग। इंटरवल टाइमर शूटिंग का मतलब होता है दो चीज़ होती है, कई लोग इसको टाइम लैप्स बोलते हैं लेकिन ये टाइम लैप्स नहीं है। टाइम लैप्स में क्या होता है, जब आप शूट करते हो तो कैमरा आपको वीडियो फाइनल वीडियो बना के देगा, जबकि इंटरवल टाइमर शूटिंग जो सिर्फ आपको फोटोग्राफी शूट करके देगा। शूट कैसे करना है, तो आप स्टार्ट ऑप्शंस में जाइए, ऑप्शन के अंदर जाने के बाद उसके जो सेटिंग्स है उसको देखते हैं, तो कौन सी डेट को शूट करना है, कितने बजे करना है, कितने मिनट पे करना है। चलिए ओके। उसके बाद इंटरवल मतलब कि एक्चुअल में कैप्चर क्या करना है, कितना करना है। तो फॉर एग्जांपल कि एक सेकंड के बाद करना है या कितने सेकंड के बाद कितने फ्रेम्स कैप्चर करना है, तो वो हर दो तीन सेकंड के इंटरवल तो बोले दो सेकंड या तीन सेकंड का। नंबर ऑफ शॉट्स, कितने फोटोग्राफ्स कैप्चर करने हैं, तो मुझे दो चार या पाँच, कितनी बार करने हैं, दो बार, तो ये कैलकुलेशन हो गया। और उसके बाद स्टार्ट, तो जैसे आप इसको स्टार्ट करोगे तो ये क्लिक करना शुरू कर देगा। कैन नॉट स्टार्ट इंटरवल शूटिंग, चेंज द सेटिंग ऑफ द लो एट ट्राई द स्टार्ट टाइम। ओके, अगर मैंने इसमें डेट चेंज किया मतलब कि मुझे स्टार्ट टाइम जो है उसको चेंज करना होगा। नाउ, ये मैंने नाउ कर दिया, ये स्टार्ट एक्टिव। कट कट, दो मैंने जो टाइम दिया था तीन सेकंड के बाद, फिर से दो क्लिक, हर तीन सेकंड के बाद टिक टिक। तो ये जो टाइमर है मैंने अपने टाइम सेकंड उसके हिसाब से मैंने सेट कर दिया, क्लिक करता रहेगा। जो लोग टाइम लैप्स वीडियोस बनाना चाहते हैं लेकिन उसको इमेज क्वालिटी चाहिए DSLR की, मतलब कि हाई रेजोल्यूशन 35mm का इमेज चाहिए, तो आप इसको यहाँ से सेट करके कैप्चर कर सकते हो। हालांकि कई सारे लोग हैं जो इसको बहुत ईजिली मोबाइल में GoPro में हो जाता है, उसमें भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, और कल और डिटेल में जाएंगे, मतलब कि मेरा आगे का जो सेटिंग है मूवी सेटिंग और पेंसिल के अंदर जो ऑटो फोकस है, मीटर रीडिंग है, एक्सपोजर है, टाइमर है, ये सारी चीज़ जो है शायद कल हम लोग ये दो या तीन को देख पाएंगे। तो कल फिर से 3 बजे मिलेंगे और यही सारे सेटिंग्स फिर से देखेंगे। तब तक के लिए आप कुछ भी क्वेश्चंस हो वो आप मुझे पूछ सकते हो। चलिए, सर शो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता है। चलिए आगे बढ़ते सर। निकॉन में स्क्रीन लाइट कैसे बढ़ाए, निकॉन में स्क्रीन ब्राइटनेस जो है वो डिस्प्ले में आएगा, जिसमें आप जो है ब्राइटनेस जो है उसको इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, वो कल के सेटिंग में वो आएगा सर।
कुछ कैमरा मॉडल्स में मल्टीपल एक्सपोजर का सेटिंग नहीं होगा, जो पुराने मॉडल्स होंगे या फिर एंट्री लेवल DSLR कैमराज है उसमें जो है मल्टीपल एक्सपोजर का सेटअप नहीं होगा, लेकिन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से D90 से ऊपर 7100 से ऊपर के सारे कैमरे में है, एंट्री लेवल में शायद नहीं है। सर आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद जब मैं इसको स्टॉप कर दूँ एंड कर दूँ उसके बाद लाइक और कमेंट जरूर करना, तब जाके मैं कल वीडियो फिर से लाइव करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। मतलब कि मुझे अभी दिख रहा है 200 लोग करंटली लाइव है, 200 लोग अगर मुझे इसको लाइक करते हैं, ये मैं जब एंड स्ट्रीम करूँगा 10 सेकंड के बाद ये वीडियो अपलोड होगा, आपको अगर एक डेढ़ घंटा रुक सकते हो तो 10 सेकंड 15 सेकंड और रुक जाइए और लाइक और कमेंट करोगे सब्सक्राइब करोगे तब मैं कल फिर से लाइव होऊंगा, नहीं तो नहीं होऊंगा। थोड़ा सा डिमांड, पब्लिक डिमांड है, ऐसे मेरी भी कुछ डिमांड है। ओके सर, कस्टम वाइट बैलेंस सेटिंग दिखाइए, कल सर हम लोग देखेंगे, शायद कल तो नहीं देख पाएंगे, परसों देखेंगे, वाइट बैलेंस के सारे सेटिंग्स देखेंगे सर। हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर LED मतलब के जो कलरफुल लाइट है उसको भी हम लोग यहाँ पर जो है डिस्प्ले करें, और येलो लाइट को भी यहाँ पर लाएंगे और वाइट लाइट भी लाएंगे, मतलब 3-4 लाइट को लेके हम लोग अलग अलग कलर बैलेंस में कैसे काम करना है वो हम आपको दिखाएंगे। हाई ISO नॉर्मल रखना है, हाँ सर नॉर्मल रखना है, नाइस। आशीष जी कहते हैं कैमरा मॉनिटर प्रॉपर कलर बताना नहीं बताया, ठीक है सर उसके बारे में मॉनिटर को कलर कैलिब्रेट कैसे करना है उसके ऊपर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। आज का सेशन कैसा रहा आपको मुझे बताना है, और मैं शायद अभी हुआ है 4:26:27, ओके अभी आपके पास 3-4 मिनट और कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। फोकस के बारे में सर मेरे ख्याल से जो सेटिंग्स है वो कल आएंगे, तो कैमरा फोकस के बारे में सारे सेटिंग्स हम लोग कल देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड स्ट्रीमिंग के बाद आपको ये लिखना है। सर पोर्टा लाइट कौन सा ले, कोई भी ले लो सर, डिजिटेक का भी अच्छा था, सिंपेक्स का भी अच्छा था। जी सर कुछ क्वेश्चन है, सही बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर कि दो कार्ड में शूट करने से फायदा क्या है। कई बार ऐसा होता है कि जो खास करके कॉर्पोरेट इवेंट्स होती है या फिर जिसमें क्या होता है कि शूट करके ऑन द स्पॉट क्लाइंट को डेटा देना होता है, तो आप उनको कार्ड भी दे सकते हो या जो बेसिक JPG है मतलब कि छोटी साइज वाली JPG साइज उनको दे सकते हो, और आपके पास रॉ फाइल जो है बड़ी साइज वो हमेशा आपके साथ रहेगी, ये भी आप कर सकते हो। वीडियो कैसे करें सर 750 में वीडियो कैसे करें, देखो मैंने यहाँ पर आपने जो वीडियोस देखे ना वो कल मैं अपना YouTube के लिए ही मैंने एक शूट किया था, उसके वीडियो मैंने इस पर शूट किए, 750 में मैंने वीडियो शूट किया है, और आपको ये सारी चीज़ जो है कल कल तो नहीं शायद 2-4 दिन में जब भी एडिट हो जाएगी, तो D750 पर शूट कैसे किया जाए तो उसके ऊपर ये वीडियोज़ है वो मैं आपको दिखाऊँगा, और हम लोग इसके जो पूरी यूट्यूब की जो वीडियो है इस पर बनने वाली है। वो सारी वीडियोस में आपको शेयर करूंगा। ओके दोस्तों, तो मैं फिलहाल के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपके क्वेश्चंस इस सेशन में मेरे पास सेव रहेंगे, और मैं आपको इसमें से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है उसको अलग बना के पूरा क्वेश्चन आंसर का भी हम लोग एक सेशन बनाएंगे, और ऑफकोर्स जो सेटिंग्स बाकी है कल उसके लिए कल फिर से 3 बजे आपको आना है, जुड़ना है, और हम लोग जो है फिर से और आगे भी बढ़ेंगे। उसके साथ साथ जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं मेरा नंबर लिख लीजिए 922, मैं आपको मेरा नंबर देता हूँ जिस पर मेरे कुछ ग्रुप है यूट्यूब के, उस पर आप जो है अपना नंबर और आपका शहर का नाम लिख लीजिए ताकि मैं आपको मेरे यूट्यूब के ग्रुप में ज्वाइन कर सकूँ, उस पर आप ज्वाइन हो जाइए। और मेरा एक इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है उसको आप फॉलो कीजिए। धन्यवाद, मैं इसको जैसे मैं इसको शेयर करता हूँ आप लोगों को लाइक और कमेंट इसको एंड होने के बाद करना है। धन्यवाद, तब मैं कल लाइव में जो है लाइव होऊंगा, 200 लोगों का लाइक और कमेंट आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।